Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to revise the foreign exchange and risk management chapter. This chapter is applicable for old and new syllabus both. So this revision video is will be helpful for both old and new syllabus. ये वीडियो YouTube पे भी जाएगा और YouTube पे जो भी लोग इसे देख रहे होंगे उनसे दरख्वास्त है कि सर प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक्स में से आपकी फाइल्स डाउनलोड कर लो बिकॉज आगे आपको वो काम आने वाली है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट ऑफ दिस वीडियो. दिस इज़ द चार्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर. कोई भी अच्छा, इसके पहले जो हमने रिवीजन वीडियोस देखे सर, इस उसमें भी हमने चार्ट्स के थ्रू रिवीजन किया था. यहाँ पे भी चार्ट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे बिकॉज एक चीज़ सीख लो, यहाँ पे चैप्टर जो भी हो पन्ने पलट पलट के पलट पलट के आपका काम खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आना ज़रूरी है. इसीलिए चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बिकॉज आपको वो एक पिक्चर देता है कि कहाँ से चीज चैप्टर शुरू हो रहा है और कहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है. फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस वीडियो. सबसे पहले हम देखेंगे सर उसमें बेसिक्स, उसके बाद हम देखेंगे एक थेरीज कौन कौन सी आती है फॉरेक्स में, तीसरा है एक्सपोजर्स इन फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करते समय रिस्क कौन कौन से होते हैं, और उन रिस्क को मैनेज करने वाला पार्ट हम चौथे हिस्से में देखेंगे. पहला पार्ट टाइम लेगा, चौथा पार्ट टाइम लेगा, बीच के दो पार्ट फटाफट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. सबसे पहली चीज़ सर बेसिक्स में क्या आता है, एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट क्या है सर? एक्सचेंज रेट इज़ अ रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनादर करेंसी. वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनादर करेंसी. अब करेंसीज कितनी ही तरह की हो सकती है आपकी, इट कैन बी डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, एनीथिंग. सबसे पहले आपको ये चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. सो बुक से बाहर अगर इंस्टीट्यूट कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है तो वो ये है कि सर टॉप फोर ट्रेडेड करेंसीज, टॉप फोर से फाइव ट्रेडेड करेंसीज कौन सी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप करेंसीज कौन सी आती है. सबसे पहले है सर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, उसके बाद आता है आपका यूरो, तीसरा आपका आता है सर जापानीज येन, एंड चौथा आपका आता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. ठीक है, ये सारे के सारे सिंबल है. चार अगर आपको आगे भी पता करना है तो सर उसके बाद में टॉप ट्रेडेड करेंसीज में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और उसके बाद में फ्रेंच फ्रैंक, सॉरी स्विस फ्रैंक आता है. दीज आर द टॉप करेंसीज विच आर बीइंग ट्रेडेड इन द एंटायर वर्ल्ड. आपको आपके सिलेबस में एग्जाम की बात करते हैं, दो तरीके से एक्सचेंज रेट दिए रहेंगे, या तो सिम्बॉल में दिया रहेगा या तो ISO कोड में दिया रहेगा. सिम्बॉल में अगर दिया रहेगा तो आपको सारे सिम्बॉल्स ऐसे दिखेंगे, और अगर ISO कोड में दिया रहेगा तो हर करेंसी का तीन डिजिट का ISO कोड होता है. जैसे डॉलर के लिए USD, यूरो के लिए EUR, येन के लिए JPY और पाउंड के लिए GBP. JPY यानी जापानीज येन, USD यानी US डॉलर, और उसके बाद में GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. उसी तरह से हमारे भारत देश का, इंडिया का, इंडिया की जो करेंसी है उसका सिंबल आपका रुपीज़ का सिंबल आता है R, R मतलब सॉरी R हिंदी में, और उसकी जो उसका जो ISO कोड है वो है INR, इंडियन रुपीस. ठीक है सर, यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई. दूसरा टॉपिक आता है डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्यों होती है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं से ये बैठा हुआ होता है कि सर डायरेक्ट कोट मतलब अगर किसी चीज़ में न्यूमरेटर में ये है तो डायरेक्ट कोट, डिनोमिनेटर में ये है तो इनडायरेक्ट कोट. किसी ने बोल दिया न्यूमरेटर में होम करेंसी तो डायरेक्ट कोट, डिनोमिनेटर में फॉरेन करेंसी तो डायरेक्ट कोट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो डेफिनेशन है वो सरासर गलत है सर. आपकी 90% जगह पे वो काम आ सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी तक वैसे एग्ज़ाम लेता था, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही कोटेशंस दिए हुए हो. अगर आपको ऐसा कोटेशन दिया हुआ रहा, ध्यान देंगे सर, तो सर इसमें कुछ भी न्यूमरेटर नहीं है, कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, प्लेन हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है. यहाँ पे कोई नई डेफिनेशन आप बनाओगे और वापस आपके दिमाग में डालोगे वो सब गलत हो जाएगा. लॉजिक पे ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सी बात है. कोई भी आपको एक्सचेंज रेट दिया हो सर, डिपेंड क्या करता है ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ो, वेयर द वैल्यू इन एन एक्सचेंज रेट इज इन होम करेंसी. जो भी एक्सचेंज रेट में वैल्यू दी है अगर वो होम करेंसी में है तो वो डायरेक्ट कोट, अदरवाइज वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी में है तो वो इनडायरेक्ट कोट हो गया. एग्जांपल के तौर पे सर USD INR मैंने ऐसा लिखा और मैंने लिखा, चलो पहले इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल सी बात बताता हूँ, रुपीज़ पर डॉलर है सर 70. तो आप इस चीज़ पर मत देखो डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट पर, आपको देखना है सर वैल्यू पर. और ये 70 क्या है सर,
INR है या USD है, यानी रुपीज़ है या डॉलर है, इफ़ दिस इज़ INR एंड INR इज़ योर होम करेंसी, देन दिस इज़ डायरेक्ट कोट, ठीक है. एंड इफ़ दिस इज़ USD और USD अगर आपकी फॉरेन करेंसी है तो दिस इज़ इनडायरेक्ट कोट, ठीक है. अब ये जो फॉर्मूला है सर, ये 100% जगह पे काम आएगा. जो इक्का दुक्का परसेंटेज छूट रहा था ना, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा. अब सेम टू सेम रेट, एक जन बैठा है मान लो इंडिया में, एक जन बैठा है यूएस में. इंडिया वाला इस रेट को देखेगा कि यार INR इज़ माई होम करेंसी और 70 जो है वो है INR में है. 70 USD में है क्या? नहीं, ये सही लिखा मैंने, 70 रुपीज़ पर डॉलर, 70 इज़ 70, वॉट इज 70 INR. इसको देखना गलत है, इसको देखना गलत है, इसको देखना सही है. 70 को देखो तो 70 क्या है सर? INR है, और INR इंडियन पर्सन के लिए होम करेंसी है. तो ये वाला कोटेशन इंडिया में जो बैठा हुआ बंदा है उसके लिए डायरेक्ट कोट है. लेकिन US की बात करते हैं. अब मैं US में बैठा हुआ हूँ और मेरे लिए मेरी होम करेंसी होती है सर डॉलर, और उसके अलावा जो भी करेंसी होगी फॉरेन करेंसी होगी. अब सेम कोटेशन रुपीज़ पर डॉलर 70 अगर मैं उसको दे दूँ तो 70 स्टिल इन INR, कोटेशन तो वही रहेगा, कोटेशन तो नहीं बदलता. तो 70 तो अभी भी INR में है, लेकिन US वाले के एंगल से INR इज़ फॉरेन करेंसी. सो US वाले के एंगल से INR इज़ फॉरेन करेंसी एंड दिस इज इनडायरेक्ट कोट फॉर द US पर्सन. सो सेम कोटेशन देख लो, मैंने कहीं कोट में चेंजेस नहीं किए, ना ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कोई बात की मैंने, बट सेम कोटेशन कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस. सो बहुत ही सिंपल सी है. वो जो 70 है वैल्यू इन एनी कोटेशन, इफ इट इज इन होम करेंसी इट इज डायरेक्ट कोट, इफ इट इज इन फॉरेन करेंसी इट इज इनडायरेक्ट कोट. आगे आते हैं ये एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में आप ये वाली चीजें काट दो, नो मोर वैलिड करके लिख दो उसमें. अच्छा, उसके बाद एक और जो रिलेशनशिप आता है वो आपको हमेशा याद रखना है. डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट इज इनवर्स रिलेशनशिप. सो डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोट, ये कभी भी नहीं भूलना सर, ठीक है. बाद में बात करते हैं सर बिड रेट एंड आस्क रेट की. बिड रेट क्या होता है? बिड रेट होता है बैंक का बाइंग रेट, आस्क रेट होता है बैंक का सेलिंग रेट. अब आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ. 90% टाइम आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपको करवाया जाता है, तो बिड का मतलब होता है बैंक का बाइंग रेट, आस्क का मतलब होता है बैंक का सेलिंग रेट. यहाँ तक पढ़ते हैं और आप छोड़ देते हैं. आपको ये नहीं समझ में आता कि यार बैंक क्या खरीद रहा है और क्या बेच रहा है. कुछ भी खरीद रहा है और कुछ भी बेच रहा है ऐसा नहीं है. हर कोटेशन में दो करेंसी होती है, और क्या दोनों करेंसी बिड पे बैंक खरीदेगा, दोनों करेंसी आस्क पे बैंक बेचेगा? नहीं सर, बिड पे बैंक अंडरलाइंग असेट खरीदता है, आस्क पे बैंक अंडरलाइंग असेट बेचता है. अंडरलाइंग असेट के ऊपर मैं अपने चार्ट के पास में लिख के रखना सर, दिस इज बेस करेंसी. अंडरलाइंग असेट बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? बेस करेंसी, बेस करेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ लिख के रखना, दिस इज बेस करेंसी अंडरलाइंग असेट. नाउ अंडरलाइंग असेट बेस करेंसी हो गया. अब ध्यान दो, डायरेक्ट कोट का इनवर्स रिलेशनशिप है इनडायरेक्ट कोट पे, ठीक है. तो कोई भी कोटेशन जब आपको बिड और आस्क में दिया जाता है तो वो इस तरह से दिया जाएगा, ये रहा. अब इस चीज को अच्छे से देखो, ये 15 मई 2019 का चार्ट है. एक्सचेंज रेट दिए हैं आपको, 2 बजे के मैं एक्सचेंज रेट निकाल के बैठा हूँ, और ये इंडिया में लगाया हुआ चार्ट है. तो रुपीस के अगेंस्ट में आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ शायद लिखना भूल गया होगा तो आप लिख लो, रुपीस के अगेंस्ट में दिया हुआ चार्ट है ये, ठीक है. अब आप देखोगे कि करेंसी है आपको दी हुई डॉलर, यूरो, GBP और जापानीज येन. बाइंग रेट दिया है बैंक का और सेलिंग रेट भी दिया है बैंक का. और ये जितनी भी करेंसीज यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी है ये सारी की सारी रुपीज़ में है, क्योंकि इंडिया में ये चार्ट लगा हुआ है. तो इंडियन करेंसी लेके, वहाँ की खुद की लोकल करेंसी लेके दूसरी करेंसी बेची जाएगी, ठीक है. इंडिया में तो आप एक्सचेंज डीलर के पास रुपीज़ लेने नहीं जाओगे. इंडिया में अगर डीलर के पास जा रहे हो तो आप रुपीज़ लेने नहीं जा रहे, आप फॉरेन करेंसी लेने जा रहे हो या फॉरेन करेंसी बेचने जा रहे हो. ये चीज़ में डिफरेंस है, ठीक है. सो फॉरेन करेंसी खरीदना और फॉरेन करेंसी बेचना, ठीक है. अब ध्यान देंगे बहुत ही प्लेन दिमाग से, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा सर आपको. ये जो वैल्यूज़ दी है सर, ये 68.17 ये सारी रुपीज़ में दी हुई है, एंड दिस इज़ माई होम करेंसी रुपीज़. तो ये सारे के सारे मेरे लिए डायरेक्ट कोट है,
ठीक है, बिड रेट और आस्क रेट की बात करते हैं। बिड रेट यानी बैंक का बाइंग रेट, यानी कि आप अगर ध्यान दोगे तो ये जो 68.17 है, इस रेट पे ये बैंक का बाइंग रेट है, बिड रेट। और ये जो 72.98 है, ये बैंक का सेलिंग रेट है। अब बाय सेल बोलो या फिर यहाँ पे बिड या आस्क बोलो, बात सेम पड़ती है। एक सेकंड, बात सेम है। दिस इज फर्स्ट वाला रेट जो है बिड, दूसरा वाला रेट जो है आस्क। हमेशा एक चीज याद रखना, बिड रेट कभी भी आस्क से कम होगा। आप यहाँ पे देख लो, दोनों तीनों जगह पे बिड रेट हमेशा आस्क रेट से कम दिख रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि बैंक इस रेट पे खरीदती है। हिंदी में लिख के देख रहा हूं, मेरे को आता है कि खरीदना, खरीदना ना, और बैंक इस रेट पे बेचती है। और बैंक वहां पे चैरिटी करने के लिए नहीं ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपको फॉरेन एक्सचेंज दे रही है। बैंक प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो कोई भी जब खरीदना चाहेगा तो वो कम अमाउंट में खरीदना चाहेगा, ठीक है, कम अमाउंट में खरीदना चाहेगा और ज्यादा अमाउंट पे बेचना चाहेगा। बात सही है? तो हमेशा लो रेट होगा बिड वाला और आस्क रेट हमेशा हाई होगा, ताकि दोनों के बीच में प्रॉफिट निकाला जा सके। तो बैंक ज़्यादा रेट पे बेचेगी, कम रेट पे खरीदेगी और प्रॉफिट कमा लेगी। सो $1.70 में खरीद के अगर 72 में बेच रही है, तो बैंक का प्रॉफिट है ₹2 का। ये जो ₹2, इसे कहा जाता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब आप कितना कमा रहे हो उस पर्टिकुलर कोटेशन में, 70-72 अगर रेट है तो। ठीक है सर, तो आपको बिड रेट समझा, आस्क रेट समझा, ठीक। लेकिन आपने ये चीज़ यहाँ पे गलती नहीं करनी है। पढ़ना किस तरह से है सर? 68.17 इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट विच इज US डॉलर। बैंक 68.17 में डॉलर खरीदती है, 72.98 में डॉलर बेचती है। डॉलर खरीदती है, डॉलर बेचती है, उसके बाद में यूरो खरीदती है, यूरो बेचती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अपन को, बट ये चीज़ बस आप अंडरलाइंग असेट करके याद रखना। उसके बीच में अब उसके बाद क्या आता है सर? बिड एंड आस्क और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट का रिलेशनशिप। डायरेक्ट कोट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद में बिड, कोई भी कोटेशन होगा भले डायरेक्ट कोट क्यों ना हो, ठीक है, लेट से रुपीज़ पर डॉलर का डायरेक्ट कोट दिया है 70 और 72। तो अब ये जो इतना पार्ट दिया है, ये डायरेक्ट कोट है पहली बात तो, क्योंकि 70-72 इज इन रुपीज़ विच इज़ माई होम करेंसी। उसके बाद में ये बिड पॉइंट है, ये आस्क पॉइंट है। किसी भी डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एक ही रेट दिया रहता तो मैं 1 बाय कर लेता, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे याद रखना, आपने क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व किए होंगे, जब आप इसको डायरेक्ट को, टू वे कोटेशन है ये, दो रेट अगर इसके अंदर दिए बिड आस्क, तो ये दिस इज टू वे कोटेशन। टू वे कोट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय डॉलर पर रुपीज आएगा, अब क्योंकि रिवर्स हो गया, रुपीज पर डॉलर, डॉलर पर रुपीज। तो 1/72 लोगे यहाँ पे, 1/70 लोगे यहाँ पे, यानी कि दिस इज 1/ आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोट एंड दिस इज 1/bid ऑफ द डायरेक्ट कोट। 70 देखो, ये पार्ट इधर चले जाना चाहिए, ये पार्ट इधर आ जाना चाहिए, इतना दिमाग में रखना। इसके पीछे का रीज़न इसके पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब हमने बिड और आस्क का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था, वहाँ जाके आप वापस देखो कि क्यों हमने इन्वर्स किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बिड एंड आस्क हो गया, उसके बाद में क्रॉस रेट्स की बात करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको दो ऐसे रेट चाहिए लेकिन आपको दिए हुए नहीं, अभी दिस इज क्रॉस करेंसी, जैसे एग्जांपल आपको INR और GBP का रेट चाहिए, लेकिन जब आपने मार्केट में देखा या क्वेश्चन में देखा तो आपको ऐसे रेट मिल रहे हैं INR पर USD और USD INR GBP, तो USD और दूसरा है सर GBP का रेट, तो ऐसे टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी। दिस इज, या फिर अभी मतलब उसको ऐसा पकड़ो, रुपीज़ पर पाउंड आपको चाहिए, लेकिन आपने देखा कि सर हमको तो रुपीज़ पर डॉलर दिया है और यहाँ डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है, ठीक है, रुपीज़ पर डॉलर 70 और यहाँ पे पाउंड दिया हुआ है 72, सॉरी 72 कैसे होएगा,
यहाँ दिया हुआ है 1.20, लेट से ऐसा रेट दिया हुआ है। अब आपको तो चाहिए 100 रुपीज़ पर पाउंड, तो जब भी कभी ऐसे रेट चाहिए होते हैं वहाँ पे हम क्रॉस करेंसी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस रेट्स, इसको कहा जाता है क्रॉस रेट। तो अब अगर हमको क्रॉस रेट निकालना है रुपीज़ पर पाउंड का, तो हम कौन सा फॉर्म मेथड यूज़ करेंगे? ए बाई सी इज़ इक्वल टू ए बाई बी, याद होगा आपको, तो इंटू बी बाई सी, सो दैट बी बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए बाई सी। सो यहाँ पे हमारे लिए ए बन रहा है रुपीज़ और सी बन रहा है पाउंड, तो ये आ गया रुपीज़ और ये आ गया सर पाउंड पहले तो, उसके बाद में रुपीज़ पर डॉलर। बी क्या बना? डॉलर बना जो बचा हुआ है, और उधर डॉलर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक लो रुपीज़ पर डॉलर का रेट, दूसरा लो डॉलर पर पाउंड का रेट, तो ये इस तरह से कैंसिल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुपीज़ पर डॉलर का रेट सर आपको दिया हुआ है 70 और यह है 1.20, तो आपका फाइनल रेट आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। दिक्कत कब आती है मैं आपको ये बताता हूँ। वन वे कोट बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रॉब्लम आती है टू वे कोट्स में। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको रुपीस पर डॉलर 70 सॉरी रुपीस पर डॉलर ले लो 70.72 दिया हुआ है, ठीक है, और डॉलर पर पाउंड 1.20 और 1.40 दिया हुआ है, और आपको निकालना है सर रुपीस पर पाउंड। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस रेट्स वाला यूज़ करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब टू वे कोट आ गया यानी कि बिड और आस्क दोनों आ गया, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बिड ऑफ रुपीस पर पाउंड अलग से निकालोगे आप और आस्क ऑफ रुपीस पर पाउंड अलग से निकालोगे आप। और जब ऐसे निकालोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर बाहर में बिड है तो यहाँ पे भी बिड होना चाहिए, रुपीस पर डॉलर इंटू बिड ऑफ डॉलर पर पाउंड, यहाँ पे भी आस्क ऑफ रुपीस पर डॉलर इंटू आस्क ऑफ डॉलर पर पाउंड। ठीक है, फटाफट लिख रहा हूँ इसलिए पाउंड बराबर नहीं आ रहा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। अब गलती से अगर आपको ये डॉलर पर पाउंड नहीं दिया रहता और ये आपको पाउंड पर डॉलर दिया रहता, तो पहले इस चीज़ को आप कन्वर्ट करोगे और फिर यहाँ लिखोगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है सर, आगे आते हैं। यहाँ ध्यान देना, क्रॉस रेट्स में सबसे पहला फॉर्मूला ए बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड इन आवर मैथ्स क्लास, ठीक है, पहले जब हम बच्चे थे। फिर उसी चीज़ को हमने क्या किया, आई एन आर बाई जी बी पी इज इक्वल टू आई एन आर बाई यू एस डी इंटू यू एस डी बाई जी बी पी। ठीक है, तो यू एस डी यू एस डी से कैंसिल होता है वैसे देखा जाए तो, बट अगर वही ये वन वे कोटेशन के काम टाइम पे काम आएगा, लेकिन टू वे कोट्स अगर आपको दिया बिड और आस्क, तो फिर बिड ऑफ आई एन आर पर जी बी पी, एक बिड तो सारे बिड, एक आस्क तो सारे आस्क। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना बस। सो ध्यान देना यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट पार्ट आता है सर आपका स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट एक ऐसा रेट है, अगर आपको कोई भी एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन करना है फॉरेन एक्सचेंज का और आज सेटलमेंट करना है, भले ही खरीदना हो या बेचना हो, तो उसके लिए स्पॉट रेट काम आएगा। लेकिन अगर आप आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि 3 महीने बाद में डॉलर्स में बेच दूंगा, डॉलर्स में खरीद दूंगा, या कोई भी करेंसी दूसरी फॉरेन करेंसी बेच दूंगा या खरीद लूंगा फ्यूचर में, उसके लिए आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आज रेट फिक्स कर सकते हैं, आज क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं। बैंक के पास जाइए और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके आइए, तो बैंक आपको आज एक रेट दे देगा कि चलो ठीक है 3 महीने बाद में आके ये रेट पे हम सेटल कर लेंगे। तो जब फ्यूचर का कोई रेट दिया जाता है या फ्यूचर सेटलमेंट का कोई रेट दिया जाता है, उसे फॉरवर्ड रेट कहते हैं, अदरवाइज आज अगर सेटल करना है तो स्पॉट रेट कहते हैं। रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर करेंसी एट स्पॉट, फॉरवर्ड रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर करेंसी एट सम फ्यूचर डेट। अगर एट स्पॉट कन्वर्ट करना है, ध्यान देना, अगर एट स्पॉट कन्वर्ट करना है
तो स्पॉट रेट, और अगर कोई फ्यूचर डेट पे कन्वर्ट करना है तो फॉरवर्ड रेट, जैसे कि टाइम आपका हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ऐसा। नेक्स्ट चीज़ आती है सर आपकी, सेकंड लास्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन एनी करेंसी। बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर रुपीज़ पर डॉलर आपका 70 दिया है और आज से 2-3 महीने बाद में रुपीज़ पर डॉलर आपका 72 होने वाला है, तो कितना परसेंट एप्रिशिएट होने वाला है या कितना परसेंट डेप्रिशिएट होने वाला है ये निकालना, यानी एप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन निकालना। बस इसमें दिक्कत क्या आ गई कि हम जब बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट एप्रिशिएट होने वाला है और कितना परसेंट डेप्रिशिएट होने वाला है, इसमें हमने ये नहीं बताया कि सर क्या एप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन रुपीज़ में भी निकाला जा सकता है, एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन डॉलर में भी निकाला जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कट माइंड में रख लो, रुपीस पर डॉलर में बेस करेंसी है आपकी डॉलर, दिस इज योर बेस करेंसी, या आप अंडरलाइंग असेट भी बोलो, एंड रुपीस इज योर होम करेंसी, ठीक है। अब आप एप्रिसिएशन निकालो कि डेप्रिसिएशन निकालो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला अलग अलग होता है जब आप एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेस करेंसी में निकालना चाहते हो या फिर आप होम करेंसी में निकालना चाहते हो। अगर आप बेस करेंसी में निकालना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो 70 दिया है इसको मैं नाम दूंगा स्पॉट रेट, इसको मैं नाम दूंगा फॉरवर्ड रेट, क्योंकि आगे का रेट है। तो फॉरवर्ड फ्यूचर का स्पॉट रेट मानो या फिर आज दिया हुआ फॉरवर्ड रेट मानो। सो एस और एफ मैंने नाम दे दिया। अगर मेरे को प्रीमियम एप्रिसिएशन निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, 72 - 70 / 70, मेरा डॉलर बेस करेंसी 70 से 72 तक पहुंचा तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया कि सर 2 रुपये बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 70 से बढ़ा, ठीक है। 2 रुपये बढ़ा 70 से, 2 रुपये डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। 1 डॉलर खरीदने के लिए पहले 70 रुपये देने पड़ते थे, अब 72 रुपीज़ देने पड़ते हैं उसी डॉलर को खरीदने के लिए। क्या महंगा हो गया? डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा होना यानी एप्रिशिएट होना, यानी प्रीमियम पे जाना। सो आप बोल सकते हो सर आप अभी क्या निकाल रहे हो पता है, डॉलर कितना महंगा हुआ, डॉलर कितना एप्रिशिएट हुआ, या डॉलर कितने प्रीमियम पे है, महंगा, एप्रिशिएट, प्रीमियम, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर आपका आएगा 2 / 70, दैट्स 2.86% डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, अगर आपको होम करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है तो होम करेंसी जो है पहले रुपीज़ 70 देने पड़ते थे 1 डॉलर के लिए, अब रुपीज़ 72 देने पड़ते हैं उसी 1 डॉलर के लिए, तो मेरे रुपीज़ की वैल्यू गिर गई क्योंकि ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। डेप्रिसिएशन है तो आंसर निगेटिव में ही आएगा, एप्रिसिएशन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और उसके लिए आपका यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा क्या? नहीं लिखा। ये देखो 72 क्या था सर, आपका फॉरवर्ड रेट था, 70 आपका स्पॉट रेट था, और बाद में 70 था स्पॉट रेट। तो F-S/S, ये है F-S/S आपका असेट करेंसी में अगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ पे लिख कर रखो बेस करेंसी या असेट करेंसी। वहीं अगर आपको होम करेंसी में या प्राइस करेंसी में निकालना है, होम करेंसी तो नहीं बोलूँगा मैं, होम करेंसी नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैंने होम लिखा है क्या, सॉरी होम नहीं, होम गलत हो जाएगा, प्राइस करेंसी। तो अगर आपको यहाँ पे प्राइस करेंसी में निकालना है तो फॉर्मूला में ध्यान दो क्या चेंजेस आ रहे हैं, S-F/F। बेसिस यहाँ पे स्पॉट था, बेसिस यहाँ पे फॉरवर्ड है, ऊपर में F-S था, यहाँ पे S-F है। तो S-F यानी कि 70, फॉरवर्ड 72, डिवाइडेड बाई 72। हमने क्या बोला, रुपीज़ की वैल्यू गिर रही है, तो कहाँ से गिर रही है, 72 से गिर रही है रुपीज़। डॉलर कहाँ से अप्रिशिएट हो रहा है, 70 से अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करना ज़रूरी है, जितना डॉलर अप्रिशिएट हुआ उतना ही रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ, ये बराबर नहीं है, दोनों का परसेंटेज अलग अलग आएगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिस इज़ 2 / 72, सो दैट विल गो टू -2.77%, और वो कितना आया था, 2.86% पॉजिटिव। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा सर इतना परसेंट, 2.86% डॉलर एप्रिशिएट हुआ, तो 2.77% रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ, दोनों का फॉर्मूला अलग है। अच्छा, तो एप्रिशिएशन इन बेस करेंसी का फॉर्मूला क्या है सर, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट / स्पॉट।
नॉर्मल वाला फॉर्मूला, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन प्राइस करेंसी का फॉर्मूला क्या है सर, कि सर फॉरवर्ड माइनस सॉरी स्पॉट माइनस फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड, और ये 12/n क्यों किया? अगर आप ये जो निकला है ये सर आपका पूरा का पूरा दो पीरियड के बीच का निकला है, सो अगर ये एक साल है तो ये परसेंटेज जो निकला ये एक साल का निकला। अगर आपको एक साल का रेट दे के 3 महीने का ही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना, सॉरी ये तो एक साल का है ठीक है, कहानी खत्म हुई, लेकिन 70 और 72 यहाँ दिया हुआ है और 3 महीने का ही रेट दिया है, बट आपको जो प्रीमियम निकालना है डॉलर में वो पर एनम अगर निकालना है तो 3 महीने का तो पहले निकाल लो जितना आ रहा है 2.86, उसके बाद इसको पर एनम में कन्वर्ट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपने निकाला ये तो 3 महीने का है, 3 महीने के रेट लेके 3 महीने का रेट निकला, सो इफ़ दिस इज 3 मंथ का तो 12 महीने का कितना, तो 12/3 तो करेंगे ना, वैसे यहाँ पे 12/n कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स, सो अगर मंथ्स है तो नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे, डेज है तो डेज लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर में जो है वो 365 आ जाएगा, नीचे में डेज ले रहे हो तो ऊपर में 365 आ जाएगा, याद रखना। सेम वही आपको मैं दूसरी जगह भी दिखा देता हूँ, दिस इज वन वेबसाइट आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, calculatorsoup.com, अगर आपको पता करना है कि नहीं सर सही में ऐसा कुछ है क्या। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, बेस करेंसी इज GBP, कोट करेंसी इज INR, ठीक है। हमने एक एक्सचेंज रेट ले लिया स्पॉट रेट जिसको मैं बोलूंगा 90 रुपये, और आप फॉरवर्ड रेट ले लो दूसरा एक्सचेंज रेट जिसको हम बोलेंगे 95, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि सर पाउंड पहले 90 रुपये में मिल रहा था, अब 95 रुपये में मिल रहा है, तो पाउंड की वैल्यू बढ़ गई और रुपी की वैल्यू गिर गई, और दोनों का परसेंटेज अलग अलग आएगा। लेट्स प्रेस द कैलकुलेटर का कैलकुलेट, अब यहाँ पे ध्यान दो, रिलेटिव टू GBP INR इज डेप्रिशिएटेड बाय 5.26%, वेर एज रिलेटिव टू INR GBP इज एप्रिशिएटेड बाय 5.5556%, दोनों का परसेंट, GBP अप्रिशिएट तो हुआ है लेकिन परसेंटेज देखो उसका, और INR डेप्रिशिएट तो हुआ है उसका परसेंटेज देखो, दोनों अलग है बिकॉज दोनों में अलग फॉर्मूले लगे, और क्या फॉर्मूला अलग है बताऊँ, सिर्फ एक चीज का बेसिस, बेसिस अगर कोई चीज डेप्रिशिएट हुई तो उसका बेसिस अलग है, कोई चीज अप्रिशिएट हुई तो उसका बेसिस अलग है, आई बात समझ में? डेप्रिशिएट होना मतलब गिरना, तो गिरेगा कहाँ से, टॉप से गिरेगा ना, वो वाला बेसिस होना चाहिए, बढ़ रहा है तो नीचे से बढ़ेगा तो वो बेसिस होना चाहिए, बस बेसिस बदला आखिरी में परसेंटेज बदले, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है सर स्प्रेड एंड स्वैप का, स्प्रेड क्या होता है और स्वैप क्या होता है ध्यान देंगे, स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, स्वैप इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड, ऐसे बोल के थोड़ी काम खत्म होगा, ध्यान दो। अगर आप आज सेटलमेंट करना चाहते हो, रुपीज पर डॉलर दिया है, स्पॉट रेट आपको 65.4025 और 65.4250, ये बिड रेट और आस्क रेट दिया है, बैंक असेट खरीदेगी, अब इसमें असेट कौन सा है, ये जो रेट दिया है रुपीज पर डॉलर में, और इसमें असेट कौन सा है, डॉलर, बैंक इस रेट पे डॉलर खरीद रही है, बैंक इस रेट पे डॉलर बेच रही है, ठीक है। आज अगर डॉलर खरीदना और बेचना हो तो ये रेट, कल अगर डॉलर खरीदना और बेचना हो तो ये रेट, कल मतलब फॉरवर्ड में कभी भी, ठीक है। तो बैंक 65.4025 में खरीद के 65.4250 में बेच रही है, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 225 पॉइंट्स, 225, 225 सॉरी 225 पॉइंट्स का जो डिफरेंस आ रहा है बिड और आस्क में, उसे कहा जाता है ये बैंक की कमाई है, बैंक इतना पैसा कमा रहा है एक डॉलर खरीद के उसी डॉलर को बेच के, ठीक है। सो वो स्पॉट के बिड आस्क में डिफरेंस हो या फॉरवर्ड के बिड आस्क में डिफरेंस हो, बिड और आस्क का डिफरेंस इज द स्प्रेड पॉइंट, एंड स्पॉट एंड फॉरवर्ड का डिफरेंस इज द स्वैप पॉइंट्स। तो स्वैप पॉइंट्स का पर्पस क्या है, फॉरवर्ड रेट निकालना, सो ध्यान देना 65.4025 65.4100, इन दोनों में डिफरेंस है 75 पॉइंट का, सो अगर आप 75 पॉइंट इसमें ऐड कर देते हो, एक सेकेंड ना होल्ड करना, सॉरी,
तो अगर आप स्पॉट रेट में 75 पॉइंट ऐड कर देते हो तो आपका फॉरवर्ड आ जाएगा, और अगर बिड में, और अगर आस्क वाले स्पॉट रेट में आस्क के पॉइंट ऐड कर दोगे तो आपका आस्क फॉरवर्ड रेट आ जाएगा. सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्वैप पॉइंट? टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्प्रेड पॉइंट्स? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट दैट द बैंक इज अर्निंग. अब हमेशा याद रखना एक चीज, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लिख लेना. यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड. अच्छा छोड़ो, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने चार्ट में लिख लेना वो चीज़ वहाँ पे और लिखनी चाहिए थी जो छूट चुकी है. फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट प्लस स्वैप. ठीक है, अब वो बिड है तो बिड में बिड के स्पॉट में बिड का स्वैप ऐड होगा, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बिड पॉइंट्स आर लेस देन आस्क. अब अगर आप ध्यान दोगे वापस से, तो बिड के जो स्वैप पॉइंट्स है 75, वो आस्क के स्वैप पॉइंट से कम है. और कभी भी अगर बिड पॉइंट्स कम निकले आपके, ठीक है, कभी भी अगर बिड पॉइंट्स कम है 75 और आस्क पॉइंट ज़्यादा, इसका मतलब इससे पता चलता है कि बैंक क्या एस्टिमेट कर रही है आगे जाके एक्सचेंज रेट कहाँ जाएंगे. सो कभी भी अगर बिड कम है तो यानी बैंक सस्ते में, कम में खरीदेगी और ज़्यादा में बेचेगी, यानी बैंक अप्रिशिएट कर रही है. बैंक ये कह रही है कि जो हमारी अंडरलाइंग असेट है डॉलर, ये अप्रिशिएट होगी, ये अप्रिशिएट होगी यानी बढ़ेगी, तो हम और ऐड करके ही फॉरवर्ड रेट निकालेंगे. लेकिन अगर आपका बिड पॉइंट ज़्यादा होता आस्क से, तो आप फॉरवर्ड रेट निकालते स्पॉट माइनस स्वैप करके. ये चीज़ याद रखना. तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? प्लस और माइनस का. हम स्वैप पॉइंट्स ऐड करेंगे अगर बिड पॉइंट्स आस्क से कम है तो, क्योंकि तब बैंक एक्सपेक्ट कर रही है कि सॉरी अपना अंडरलाइंग असेट अप्रिशिएट होगा. लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 150 और 125, तो कोई भी बैंक क्यों अपना खरीदने वाला रेट ज़्यादा से बढ़ाएगी और बेचने वाला रेट कम से बढ़ाएगी, है ना? अगर खरीदने वाला रेट ज़्यादा है और बेचने वाला रेट कम है तो बैंक बढ़ा नहीं रही है, बैंक गिरा रही है. सो बैंक की एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके हमारा असेट डेप्रिशिएट होगा, और अगर डेप्रिशिएट होना है तो माइनस करो. सो 150 अब माइनस होंगे इसमें से, और 125 भी माइनस होगा आस्क में से. आई बात समझ में? बिड अगर छोटा है तो ऐड करेंगे, बिड अगर बड़ा है तो लेस करेंगे. सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ इन द लास्ट 30 मिनट्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, रुपीज़ पर डॉलर 70. तो आप इसमें एस्टिमेट करते हो, सॉरी आप इसमें कैसे पता लगाओगे कि अंडरलाइंग असेट कौन सा है? सर अंडरलाइंग असेट डॉलर है, क्योंकि डॉलर बेचा जा रहा है 70 रुपए में. बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? अब मैं आपको रेट दे देता हूँ USD INR. कन्फ्यूजन आपको पूरे किताब में क्यों होगा पता है? कहीं आपको रुपीज़ पर डॉलर 70 मिलेगा, कहीं आपको USD INR 70 मिलेगा, और आप पढ़ने में गलती कर देते हो, क्योंकि यहाँ रुपीज़ पहले लिखा है तो आपका पढ़ने का एक तरीका बन गया रुपीज़ पर डॉलर. तो आप इस चीज़ को भी वैसे ही पढ़ते हो USD पर INR 70. गलत है. जब भी ISO कोड में कोटेशन दिया हुआ होगा, अभी से याद रख लेना, ISO कोड में कोटेशन दिया होगा तो उसकी पहली करेंसी या पहला कोड बेस करेंसी होता है, दूसरा कोड प्राइस करेंसी होता है. और जब भी ऐसे रुपीस पर डॉलर में आपको दिया हुआ है, हमारी किताबों में ज़्यादा रहता है, बाहर में नहीं, और जब भी ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब नॉर्मली ये है कि पहली वाली आपकी जो करेंसी है, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ बेस, है ना? उल्टा. तो रुपीस डॉलर 70 को कैसे पढ़ोगे? रुपीस पर डॉलर 70. और USD INR 70 को कैसे पढ़ोगे? INR पर USD 70. तो दोनों को पढ़ सेम तरीके से ही रहे हो. दोनों का मतलब INR 70 फॉर USD 1 ही होता है. दोनों का मतलब इसमें ऐसे पढ़ रहे हो, उसमें ऐसे पढ़ रहे हो, क्योंकि प्राइस पहले पढ़ोगे ना सर,
प्राइस पर बेस, प्राइस पर बेस करेंसी। सिर्फ कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गलती की है, गलती बोलूँगा मैं, डॉलर पर रुपीस भी 70 लिखा, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बट ठीक है, यह सब अब दिमाग में मत डालो, सही चीज़ दिमाग में डालो, 99% ऑफ द टाइम यू विल बी राइट। मतलब ऐसे इंटरप्रिट करके तो 100% ऑफ द टाइम यू विल बी राइट। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ रिविजन वाले पार्ट पे, और आपको प्रैक्टिस मैनुअल से गो थ्रू कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। मतलब तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंटरप्रिट करना है। तो जो लोग इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, उतना पार्ट छोड़ के मैं प्रैक्टिस मैनुअल अभी बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस मैनुअल के बाद वापस मैं रिविजन वाले पार्ट पे आऊँगा, ठीक है। और इस चीज़ पे मैं टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गलतियाँ होती है बच्चों की। सो दिस इज़ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल उठाई है, दिस इज़ 2018 एडिशन, लेटेस्ट एडिशन जो था इंस्टीट्यूट का वो। अभी ध्यान दो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई, या तो आपको सिंबल में कोटेशन दिया रहेगा या तो ISO कोड में कोटेशन दिया रहेगा। अगर सिंबल में दिया है तो प्राइस पर बेस करेंसी होना चाहिए, और अगर ISO कोड में दिया है तो बेस करेंसी और प्राइस ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन पढ़ना उसको बाद की प्राइस, INR पर USD ही है। दोनों केस में INR पर USD ही पढ़ रहे हो, ये रहा, ठीक है, 70। सो ध्यान दो, अभी यहाँ पे जो आपको रेट दिया है, दिस इज US डॉलर के लिए रुपीज़ का रेट दिया हुआ है ये, तो ये तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है रुपीज़ पर डॉलर ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या किया, कैनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड, तो ये भी कैसा दिया हुआ है, डॉलर पर पाउंड ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पढ़ना ऐसा ही है, पहली वाली करेंसी पर पाउंड, ठीक है, जब तक सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि $1 के लिए इतने INR, तो अगर आपको लिखना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हो इसी को, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल, कि लिखना अगर है आपको तो आप उसको सिंबल में लिखो रुपीज़ पर डॉलर, या तो आप उसको लिखो USD INR, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने अलग अलग क्लियर कट लिखा है कि 64.50 पर डॉलर है, तो ये भी उसी तरीके से लिखा है रुपीज़ पर डॉलर, तो मैं उसको पढ़ भी पहली करेंसी पर दूसरी करेंसी रहा हूँ, सिंबल में जब तक दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, यहाँ पे देखो पर पाउंड डॉलर इज़ दिस मच, तो क्लियर कट लिखा है कि डॉलर पर क्या है, 1 यूनिट इज़ पाउंड, तो ये अपनी बेस करेंसी हो गई, अंडरलाइंग असेट, और ये है अपनी प्राइस करेंसी। तो अगर आपको इसको लिखना है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो डॉलर पर पाउंड, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा है सर, डॉलर पर पाउंड बिड, डॉलर पर पाउंड, इंटरप्रिटेशन भी यही निकलता है। इंटरप्रिटेशन उल्टा कब निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े टाइम रुक जाओ बस। अब ये लोग ना गलती ये चीज़ करते हैं, यहाँ पे इन्होंने INR बाय US और डॉलर सिंबल में लिखा, अब यहाँ इन्होंने गलत चीज़ लिखी है। चलो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल देके तो क्लियर कट कर दिया कि सर 62.22 रुपीज़ है, तो जो दूसरी करेंसी बची है इस कोटेशन में वो पर यूनिट हो गई, तो US डॉलर पर यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अभी इसको देख के क्लियर कट पता चल रहा है कि सर ये रुपीज़ पर डॉलर है जो हमको इंटरप्रिट करना है, लेकिन यहाँ पे देख के गलत इंटरप्रिटेशन आता है क्योंकि ये ISO कोड में लिखने की कोशिश की गई है। आखिरी में ISO कोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सिंबल के जगह डी के जगह डॉलर लिख दिया, ठीक है। सो ये ISO कोड में काउंट नहीं हुआ, इसीलिए उसको INR पर US डॉलर ही पढ़ा जाएगा। जब ISO कोड रहेगा सारा, अगर ये USD रहता तो आप उसको कैसे पढ़ते, पता है, USD पर INR, ठीक है, बट नहीं दिया हुआ है, ये लिखना गलत है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे US डॉलर और HK डॉलर पर, मतलब वो प्राइस करेंसी हो गई और जो 1 यूनिट में है वो आपके बेस करेंसी हो गई। और एक दो रेट लेके मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे कैसे इंटरप्रिट करना, सर मुंबई लंदन का रेट दिया है 74.30,
अब 74.30 क्लियर कट ये तो समझ में आ रहा है कि रुपीज़ में दिया हुआ है, तो दूसरा कौन सा है? मुंबई में रुपीज़ चलेगा, लंदन में क्या है सर? पाउंड। तो ये पर पाउंड रेट है, तो बेस करेंसी हमारी होगी पाउंड, एंड दिस इज़ बिड रेट, दिस इज़ आस्क रेट। ये तो समझ में आता ही आपको, कम वाला रेट बिड होगा, ठीक है। वैसे ही ये डी के और दूसरा डी के कोपेनहेगन का हो गया, लंदन का दूसरा बचा तो लंदन हो गया आपका पाउंड, तो पाउंड यहाँ पे हो गई बेस करेंसी। अंदर जितनी भी जो भी वैल्यू वाली करेंसी है वो आपकी डी के और रुपीज़ है। और एक जगह चलते हैं जहाँ पे आईएसओ कोड आता है, ठीक है। आईएसओ कोड अभी यहाँ देखो, यहाँ क्लियर कट आईएसओ कोड है, 6 के 6 डिजिट आपके पूरे वैसे लिखे हुए। तो यूएसडी आईएनआर लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे सर? आईएनआर पर यूएसडी। गलती यहाँ पे बच्चों ने की, यूएसडी पर आईएनआर पढ़ने की आदत है, यूएसडी पर आईएनआर नहीं है सर। दिस इज प्राइस करेंसी, दिस इज बेस करेंसी, तो प्राइस करेंसी बाय बेस करेंसी ही पढ़ोगे। INR पर USD इज 48.30, INR पर GBP इज 77.52, USD पर GBP इज 1.6231। सो ये हो गया US डॉलर, ये हो गया रुपीज़, और ये हो गया आपका रुपीज़, जो प्राइस करेंसी है वो यहाँ पे इसका सिंबल बनता है, समझा क्या? और कहीं दिया है तो मैं देखता हूँ आपको और बताता हूँ। अभी ये देख लो, अब इन्होंने ये चीज़ गलत लिखी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की गलती है, यहाँ पे इन्होंने सिंबल नहीं देना चाहिए सर, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट INR लिखना चाहिए। तो अब आप उसको कैसे पढ़ोगे? कोटेशन आपका ISO कोड INR पर US डॉलर, जब भी ISO कोड में लिखा है दूसरा वाला पार्ट प्राइस करेंसी होता है, पर बेस करेंसी पहला वाला पार्ट। सो दिस इज़ जो आपको रेट दिया है ना 49 पॉइंट, ये आगे बढ़ेगा यहाँ से, और उसके बाद USD बाय SGD लिखा है। तो ये क्या है पता है? कैसे पढ़ोगे इसको? SGD सिंगापुर डॉलर पर US डॉलर, सिंगापुर डॉलर पर US डॉलर। अभी यहां पे जो इन्होंने कोटेशन दिया, यहां पे इन्होंने डॉलर बाय DM लिख दिया, तो ये इसको जैसा है वैसा ही पढ़ो। US डॉलर पर ड्यूश मार्क 6.6560, क्योंकि ISO कोड नहीं है तो सीधा सीधा पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखो ISO कोड नहीं है तो रुपीज़ पर डॉलर ही पढ़ोगे उसको, पहली करेंसी बाय दूसरी करेंसी। तो इन सब से आपको एक आइडिया आना चाहिए। यहाँ पे यहीं पे मैं इस चीज़ को क्लोज करता हूँ कि सर सिंबल में दिया है तो पहली करेंसी बाय दूसरी करेंसी पढ़ेंगे, और अगर ISO कोड में दिया है तो दूसरी करेंसी बाय पहली करेंसी पढ़ेंगे। अल्टीमेट मीनिंग शुड बी सेम, कॉन्सेप्ट समझो, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या समझना क्या नहीं। पहला दूसरा वैसा कुछ होता नहीं है। रुपीज़ पर डॉलर प्राइस करेंसी बाय बेस करेंसी, और उधर भी USD INR अगर लिखा है तो दूसरी करेंसी जो होती है, दूसरा कोड जो होता है वो प्राइस करेंसी होती है। तो INR पर डॉलर ऐसा पढ़ोगे उसको, ठीक है। चलो वापस एक बार ऊपर से मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। हमने चार टॉपिक देखने हैं, बेसिक्स, उसके बाद थेरीज इन फॉरेक्स, उसके बाद एक्सपोजर एंड उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। बेसिक्स में हमने 7 चीज़ें देखी सर। एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट देखा हमने कि जो वैल्यू में, जो अगर वैल्यू आपकी किसी एक्सचेंज रेट में होम करेंसी में है डायरेक्ट कोट, फॉरन करेंसी में इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद में डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट। बिड आस्क की बात करते हैं, बिड इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट को भूलना नहीं। आस्क इज द बैंक्स सेलिंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट को भूलना नहीं। उसके बाद में अगर बिड रेट टू वे को अगर आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी बिड को आस्क में, सॉरी डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, तो बिड इज इक्वल टू 1 बाय आस्क। डायरेक्ट कोट का बिड इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट का आस्क। वैसे ही डायरेक्ट कोट का आस्क इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट का बिड। क्रॉस रेट अगर है तो A/C इज इक्वल टू A/B इंटू B/C। वैसे ही अगर आपको दो करेंसी, तीन करेंसीज है, तो रुपीज़ पर पाउंड इज इक्वल टू रुपीज़ पर डॉलर इंटू डॉलर पर पाउंड। और अगर एक बिड है तो सारे बिड, दूसरा आस्क आस्क है तो सारे आस्क। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है सर? स्पॉट रेट यानी कि अगर आपको आज फॉरेन करेंसी खरीदनी या बेचनी है और आज सेटल करना है तो स्पॉट रेट, और अगर कल सेटल करने के लिए, फ्यूचर डेट पर सेटल करने के लिए कोई अगर एक्सचेंज रेट चाहिए तो दैट इज़ फॉरवर्ड रेट। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में हमने देखा कि सर
फॉर्मूला डिफर नहीं करता एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन पे, दोनों का फॉर्मूला सेम है एप्रिसिएशन हो या डिप्रिसिएशन। बस आप एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन असेट करेंसी में निकाल रहे हैं या बेस करेंसी में निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर प्राइस करेंसी में निकाल रहे हैं तो वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सर, आंसर पॉजिटिव आया तो एप्रिसिएशन, निगेटिव आया तो डिप्रिसिएशन। असेट करेंसी का फॉर्मूला था एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 12 बाई एन, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाई स्पॉट इंटू 12 बाई एन, उसके बाद में स्पॉट माइनस फॉरवर्ड दूसरा वाला डिवाइडेड बाई फॉरवर्ड इंटू 12 बाई एन। ठीक है सर, स्प्रेड एंड स्वैप क्या होता है सर? बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस, बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस आपका स्प्रेड कहलाता है, और स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का डिफरेंस आपका स्वैप कहलाता है। अगर स्वैप पॉइंट्स में बिड छोटा है तो ऐड करेंगे स्पॉट रेट के फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए, और अगर बिड पॉइंट बड़ा है तो माइनस करेंगे फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक आता है सर थेरीज इन फॉरेन फॉरेक्स। मैंने कहा था पहले वाले टॉपिक को थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। थेरीज इन फॉरेक्स, तीन थेरी हम देखेंगे सर फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट में तीन थेरीज है। एक तो है इंटर आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, दूसरा आता है सर परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी। एक सेकंड पानी पीने दो, स्लिप हो रही है चीज़ें। थेरीज इन फॉरेक्स में तीन तरह की थेरी देखेंगे सर, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, दूसरा है परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी, और तीसरा आता है सर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। अब ध्यान देंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट थेरी है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी आपकी एक ऐसी थेरी है जो बोलती है कि सर एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, दो कंट्री है इंडिया और यूएस, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं सर 2% के, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं सर 8% के। ठीक है, और हमारा दोनों कंट्री के बीच का स्पॉट रेट है 70। तो बोलने का मतलब क्या है ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि अगर दो कंट्री के बीच में इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस एडजस्ट हो जाता है उन्हीं दो कंट्री के बीच के स्पॉट और फॉरवर्ड रेट के बीच। मतलब अगर किसी कंट्री को इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो INR डेप्रिशिएट होगा यहाँ पे। और अगर किसी कंट्री को कंट्री का इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो उस कंट्री का जो कम इंटरेस्ट रेट है वो ऑफसेट होगा उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होके। द लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल एप्रिशिएट एंड द हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल डेप्रिशिएट। तो अगर किसी कंट्री को इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा है तो उसको एक्सचेंज रेट में नुकसान होगा। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा हो रहा है तो वो ऑफसेट होगा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होके। अब हम लेमैन वाली बात करते हैं, बाकी सारे लॉजिक अलग रखते हैं। मैं सिर्फ बोलूँ एक्सचेंज रेट भी अलग रखो, कोई एक्सचेंज रेट नहीं है सर। अगर मैं सिर्फ बोलूँ US में इंटरेस्ट रेट 2% है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आपका मन क्या बोलेगा, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? इंडिया में, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी है। तो सारा का सारा पैसा इंडिया में ट्रांसफ़र होगा, सारा का सारा पैसा। इंडिया वाले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका वाले भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा सर, इंडिया का तो पैसा इंडिया में ही रहेगा, आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट भी इंडियन रुपीज़ में देना है। लेकिन अमेरिका वाले, बाहर वाले जो पैसे लेके आए थे और अब जब लेके जाएंगे तो ज़्यादा लेके जाएंगे, तो आपकी कंट्री को US डॉलर कम आए थे लेकिन ज़्यादा देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ में, तो आपकी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, आपकी कंट्री डॉलर ज़्यादा खरीदेगी। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बाहर वालों को देना है ना ज़्यादा, आपके पास तो $100 आए थे लेकिन 105 देना है, तो आपकी कंट्री को $5 एक्स्ट्रा खरीदना है इंडिया को, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर एप्रिशिएट होगा। अल्टीमेट कंक्लूजन इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का क्या है? कम इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी, ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो एक जगह फायदा तो दूसरे जगह नुकसान हो जाएगा, और उस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता था 1+ rate of domestic country डिवाइडेड बाई 1+ rate of foreign country इज इक्वल टू फॉरवर्ड बाय स्पॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट देता है, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट शायद कुछ और ही होगा, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फॉरवर्ड खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो। ठीक है, आगे देखो, इट स्टेट्स दैट हायर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल बी ऑफसेट बाय
डेप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. उसी का अपोजिट लिख सकते हो, लोअर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल बी ऑफसेट बाय एप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में दो अलग अलग तरीके की थ्योरी आप ले सकते हो, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी. कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी में मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिया, एक थोड़ा सा ट्रिक है जो कि इंस्टीट्यूट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कोटेशन अगर डायरेक्ट है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट. लेकिन अगर कोटेशन इनडायरेक्ट निकले तो फॉर्मूला बदल जाता है, ऊपर नीचे होगा बस, 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज इक्वल टू एफ बाय एस. सब कुछ सेम है, सिर्फ ये जो आर एफ था ऊपर चला गया, आर डी था नीचे आ गया. ये भी नहीं करना आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन इज इक्वल टू एस बाय एफ. तो उधर वाली साइड को ऊपर नीचे कर दो, किस कोई तो एक साइड को ऊपर नीचे करो, तब आपका आंसर सही आएगा. अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा किया गया है कहाँ पे, ये भी बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना. ध्यान देंगे. मैं कहाँ बताने वाला था आपको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 इन चैप्टर नंबर 11, ठीक है. एक एक्स वाई लिमिटेड का एक क्वेश्चन है जिसमें आप हो इंडिया में, तो आपकी होम करेंसी हुई सर रुपीस और फॉरेन करेंसी है दूसरी यहाँ पे अफ्रीकन रैंड. अब आपको जो एक्सचेंज रेट दिए है वो है सर अफ्रीकन रैंड 6 पर रुपीस, तो आपको एक्सचेंज रेट इस तरह से दिया, अफ्रीकन रैंड पर रुपीस 6. तो 6 क्या है वैल्यू, 6 इज अफ्रीकन रैंड विच इज माई फॉरेन करेंसी एंड दैट्स वाई दिस कोट इज इनडायरेक्ट टू मी. क्योंकि कोटेशन इनडायरेक्ट है इसलिए आगे जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी यूज करने का टाइम आया, इन्होंने शायद लिखा नहीं है ना यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ ऐसा लिख दिया एक्सचेंज रेट एज पर आई आर पी. अब आगे जब एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी इस्तेमाल करने का मौका आया तो 6 तो स्पॉट रेट थी, ये 7.6364 निकालना था. अब एक्सचेंज रेट सॉरी यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्री लग रही थी तो इन्फ्लेशन रेट लेंगे. तो अगर आप नॉर्मल सा फॉर्मूला लेते, 1 प्लस आई डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एस, तो कैसा लिखते, डोमेस्टिक कंट्री का रेट दिया हुआ था 10% और फॉरेन कंट्री का रेट दिया हुआ था 40%. मैं आपको इसी में अभी वही बता देता हूँ. ये देखो ये 10% और ये 40%, ठीक है, अफ्रीका का 40 था. तो अगर आप ऐसा लेते 1.10 इज इक्वल टू 1.140, अरे फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय 6, स्पॉट रेट 6 था, तो आंसर क्या आता, तो आंसर आता सर एफ इज इक्वल टू 4.714, जो कि एक्चुअल में आंसर कितना है 7.6364. क्यों गलत हुआ पता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट कोट वाला, जबकि कोटेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट, तो आपने करना चाहिए था इनडायरेक्ट, यानी कि 1.40 लिखेंगे ऊपर उल्टा, ठीक है, और 1.1010 लिखेंगे इधर नीचे,
या तो 10 ऊपर रख के 40 नीचे रखो, लेकिन 6 उधर में ऊपर कर दो, कहीं तो क्रॉस चेक करो। ठीक है, तो अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1.40 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 6, तो आंसर आता है सर 7.6363। ये देखो 7.6364, समझा क्या? ये चीज़ आपको सिलेबस में नहीं लिखी हुई मिलेगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बस फॉर्मूला डाल दिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं है सर। ये क्या ओपन कर लिया, तो आज के बाद से एक चीज़ याद रखेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में कि सर अगर डायरेक्ट कोड दिया है तो आरडी डिवाइडेड बाय आरएफ, इनडायरेक्ट दिया है तो आरएफ डिवाइडेड बाय आरडी। आपकी फॉरेन करेंसी और होम करेंसी पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। और अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी की बात करते हैं, एक जगह जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, ये क्या है सर? अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में एक चीज़ बोली गई कि सर IRPT states that the size of the forward premium or discount should be approximately equal to the interest rate differential between, इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, interest rate differential between two countries. So forward rate और discount जो है, premium और discount जो है, आप कैसे निकालते हो? इस फॉर्मूले से निकालोगे, forward premium या discount, premium यानी appreciation, discount यानी depreciation. ठीक है सर, आगे अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि क्या है किस्सा। आपका इंटरेस्ट रेट है US का और इंडिया, US का है सर 2% और इंडिया का लेट से 8% है, और इंडिया की करेंसी स्पॉट रेट जो है यहाँ पे, सॉरी इंडिया की नहीं, जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है वो लेट से 70 है, और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो आपको दिया हुआ है, ये एक काम करते हैं हम, हाँ अब मान के चलो कि अगर फॉरवर्ड रेट जो दिया हुआ है वो है 74.20 रुपये, सो रुपीज़ पर डॉलर स्पॉट रेट और रुपीज़ पर डॉलर फॉरवर्ड रेट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि दो कंट्री के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का गैप आता है 6% का आ रहा है, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द गैप बिटवीन दीज टू, यानी पैसों में गैप नहीं, परसेंटेज में। सो इनमें जो प्रीमियम या डिस्काउंट है, इनके बीच के गैप, इनके बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट रेट। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द टू कंट्रीज विच इज 6% शुड बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द प्रीमियम और डिस्काउंट बिटवीन दीज टू स्पॉट एंड फॉरवर्ड। सो निकालो प्रीमियम कितना है, हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, अगर डॉलर में निकाल रहा हूँ तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट आता है, सो 74.20 डिवाइड माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70, तो 6% इज इक्वल टू, अगर हमें ऐसा निकालने जाऊँ 74.20 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो आता है 6%। अब 6 आए, 5.90 आए या 6.10 आए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, हमेशा एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। तो मतलब क्या है सर, क्यों इस्तेमाल करना है इस थ्योरी का, मैं क्या बता रहा हूँ समझो। अगर मैं आपको ये चार फिगर दे दूँ और मैं बोलूँ कि बताओ कि पैसा कमाना पॉसिबल है क्या, यहाँ पे कुछ आर्बिट्राज गेन या लॉस हो सकता है क्या, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच के इंटरेस्ट रेट गैप इज इक्वल टू द प्रीमियम ऑन डॉलर, ठीक है, सेम है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर अलग अलग होता तो पॉसिबल है। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, 74.20 को काट के आप एक काम करो, इसको ले लो 72, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस तो 6% हो गया, ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, 8 माइनस 2, और आप प्रीमियम निकालो कितना है, 72 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो ये आता है सर 2.86%। अब बताओ दिस इज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एंड दिस इज प्रीमियम ऑन डॉलर। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से ये दोनों फिगर्स सेम आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली।
अगर सेम आती है तो कोई भी आर्बिट्राज गेन पॉसिबल नहीं, और अगर नहीं आती सेम तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको चार फिगर दे दी तो उसका दूसरा स्टेप रहेगा ये दो चीजें निकालना, ठीक है? एक सेकंड ना, और ये दो चीजें निकालने के बाद आप बोल सकते हो कि सर बिकॉज इन दोनों में दोनों सेम नहीं है, दैट्स व्हाई आर्बिट्राज गेन इज पॉसिबल। अब आर्बिट्राज गेन हासिल करने के लिए कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में बोरो करना चाहिए, ये डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जब भी ये चार चीज़ें दी जाए तो कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करोगे और कौन सी में आप बोरो करोगे, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ध्यान देना यहाँ पे। कुछ रूल्स लिख के दे रहा हूँ मैं। लो इंटरेस्ट रेट वाली जो करेंसी है, IRPT क्या बोलता है कि जिस कंट्री की करेंसी, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होंगे उस कंट्री की करेंसी जो है, उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए। और अगर किसी कंट्री में हाई इंटरेस्ट रेट है तो उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होनी चाहिए। या फिर आप उसको ऐसा लिखो, हाई इंटरेस्ट रेट कंट्री लिखना, ये रूल है हमेशा काम आएगा, और लो इंटरेस्ट रेट कंट्री लिखा। तो किसी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस कंट्री की करेंसी लॉजिकली एप्रिशिएट होनी चाहिए IRPT के हिसाब से। उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी और हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, कितना परसेंट इट शुड एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट by the interest rate differential, दो कंट्री की करेंसी में जो भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा वो। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ठीक है, अब समझो बात को, मैं क्या बता रहा हूँ, दिमाग लगाना, फिर मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि सही है ये फॉर्मूला। अब किसी भी कंट्री में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो लॉजिकली कोई भी लेमैन जो होगा वो चाहेगा इस कंट्री की करेंसी में मैं इन्वेस्ट करूँ। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, कम इंटरेस्ट रेट पर कोई भी बोरो करना चाहता है, ठीक है? बट इन दोनों के बीच में लेट से 6% का डिफरेंस आ रहा था ना अपना पहला, 2% और 8%, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल आ रहा है वो है 6%। यानी कि अपनी जो करेंसी है लो इंटरेस्ट रेट वाली, ये 6% से एप्रिशिएट होनी चाहिए, और जब तक 6% से एप्रिशिएट नहीं होती तब तक आप उस कंट्री की करेंसी में बोरो कर सकते हो, उस कंट्री से आप बोरो कर सकते हो क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट है। दूसरे एंगल से पढ़ रहा हूं, हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होनी चाहिए, और जब तक उस कंट्री की करेंसी 6% से डेप्रिशिएट नहीं हो जाती तब तक आप उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है। जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, जब तक वो एप्रिशिएट नहीं हो जाता आप क्या करना चाहते हो, आप लो रेट पे बोरो करना चाहते हो, करो जब तक एप्रिशिएट नहीं हो जाता। जब तक डेप्रिशिएट नहीं हो जाना नहीं होता उस कंट्री की करेंसी, डेप्रिशिएट होनी चाहिए, तो डेप्रिशिएट जब तक 6% से डेप्रिशिएट नहीं होती तब तक आप उस कंट्री की करेंसी में अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। यह है लॉजिक। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी,
बट अब मैं बताता हूँ देखो शुड अप्रिशिएट अप टू द रेट ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है, एंड अनटिल देन वी कैन बोरो इन दिस कंट्री। या फिर आप ऐसे बोलो, अगर वो 6% से कम से अप्रिशिएट होती है, ठीक है, तब तक आप बोरो कर सकते हो। जब तक 6% से अप्रिशिएट नहीं हो जाती तब तक आप बोरो कर सकते हो, उसके बाद 6% से अप्रिशिएट अगर हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते, और 6% से ज़्यादा से अप्रिशिएट हो रही है तो उल्टा करना पड़ेगा। Until the appreciation is equal to appreciation, हाँ ठीक है। सो इस केस में क्या आएगा, Until then we can borrow and beyond that we should इन्वेस्ट, और यहाँ पे अनटिल देन वी कैन इन्वेस्ट एंड बियॉन्ड दैट वी शुड बोरो। ठीक है, ये तो अपन ने लिख लिया। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगा क्योंकि लॉजिक समझाना है। सो दिस इज एन एक्सेल शीट विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। कुछ रेट्स वगैरह हम चेंज करके देखेंगे इसमें। इसको ओपन करते हैं एक्सेल शीट में, अगर हो सके तो। लिया हुआ तो है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम इंडिया और यूएस की बात करते हैं, और इंडिया का रेट सर हम लेते हैं 8% और यूएस का रेट लेते हैं सर 2%, ठीक है, 0.02 2% ले तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, और दिस इज 0.02 नहीं 8%, ठीक है। सो आप अगर इंडिया का रेट देखोगे 8% और यूएस का रेट देखोगे फॉरेन रेट तो 2%, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना हो गया 6। अब आप एक काम करो, स्पॉट रेट ले लो, रुपीस पर डॉलर का स्पॉट रेट लेते हैं 70, ठीक है। तो जैसे ही रुपीस पर डॉलर का स्पॉट रेट आप 70 लेते हो, आपको ये बता देगा वो कि फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए। फॉरवर्ड रेट होना चाहिए सर 74.11 होना चाहिए, बट एक्चुअल में हम ना थोड़ी सी डिफरेंट फिगर लेते हैं। आप एक काम करो, आप रेट ले लो 80। तो जैसे ही आप 80 का रेट लेते हो तो आपको कुछ फिगर्स मिलती है, वो आप थोड़ा सा नोट करो। एक ये और एक ये,
6% इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि जो प्रीमियम है आपका 70 और 80 के बीच का जो प्रीमियम है वो भी 6% का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 14% का है, ज़्यादा है। एप्रिशिएशन 6% से ज़्यादा से हो रहा है, ठीक है। अब हमारा लॉजिक लगाते हैं, हम ध्यान देना हमारा लॉजिक क्या बोलता है सर। यहाँ पे आपको आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पे निकाला हुआ है, रेड बोले तो ये गलत तरीका है और ग्रीन बोले तो सही तरीका। सही तरीके से क्या हुआ, आपने बोरो की होम करेंसी यानी कि INR और इन्वेस्ट किया डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, तब जाके आपको नीचे में प्रॉफिट आएगा 4,28,000 का। तो आंसर क्या निकलता है ऐसे केस में कि डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, डॉलर में इन्वेस्ट करो। अब हम हमारे लॉजिक के हिसाब से देखते जो हमने लिखा था, 6% एप्रिसिएशन होनी चाहिए थी डॉलर की वैल्यू, लेकिन डॉलर की वैल्यू 14% से एप्रिशिएट हुई। हमने क्या बोला, जब तक 6% से एप्रिशिएट नहीं हो जाती तब तक आप बोरो कर सकते हो इस करेंसी में, और उसके बाद इन्वेस्ट करो। यानी क्या आंसर निकल रहा है, डॉलर में इन्वेस्ट करो। हमारा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे भी आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव यानी प्रॉफिट आ रहा है अगर हम डॉलर में इन्वेस्ट करें डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी। दूसरा हम फिगर देखते हैं, यहाँ ये डायरेक्ट कैलकुलेशन वाली फिगर है, तो मैं यहाँ पे 780 की जगह मैं 72 लिख के देखता हूँ। देखना यहाँ पे मैं 72 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप निकालोगे तो देखना ये रेड वाली चीज़ ग्रीन हो गई, यानी कि अब आपके करेंसी बदल गई एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन वाली। 6% से अप्रिशिएट होनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 2.86% से अप्रिशिएट हुई। क्या डॉलर, डॉलर की बात कर रहे हैं, 6% से डॉलर अप्रिशिएट होना चाहिए था। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि सर जब तक 6% से डॉलर अप्रिशिएट नहीं हो जाता तब तक हम उसमें बोरो कर सकते हैं, और हमारा आंसर भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बोरो फॉरेन करेंसी 1,00,000 डिपॉजिट होम करेंसी, उसी से आपका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 3,000। अगर आप उल्टा डिसीजन लेते हो बोरो होम करेंसी करते हो तो आपका नुकसान आएगा नीचे में, ये नुकसान कैलकुलेट किया हुआ रेड में 1,54,000 का। तो ये रूल आपको हमेशा काम आएगा, अंटिल देन वी कैन बोरो एट द लो रेट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बोरो इसलिए लिखा है क्योंकि लो रेट पे हम बोरो करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि हाई रेट पे हम कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से नहीं हो जाता कंपेयर। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ सर, रिवीजन वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा इस पे हमने डिस्कशन कर लिया। आगे है सर परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी, और परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स की जगह पे यहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट्स इस्तेमाल होंगे, बाकी डायरेक्ट कोट है तो फार्मूला ये, इनडायरेक्ट कोट है तो फार्मूला ये, और वही फार्मूला आपका डिफरेंशियल वाला भी यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में बात करते हैं सर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आपको एक फार्मूला देता है कि इन्फ्लेशन सॉरी नॉमिनल और रियल रेट के बीच में आपको नॉमिनल और रियल रेट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के हिसाब से 1+ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1+ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1+ इन्फ्लेशन का रेट होता है। नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग करनी चाहिए, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंटिंग करनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इज, फॉर द टाइमिंग इट्स इनफ। उसके बाद में तीन चीज़ें आती है सर, एक्सपोजर इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि फॉरेन करेंसी में जब भी आप डील करते हैं तो उसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं। सर फॉरेन करेंसी में जब भी आप डील करते हैं तो उसमें कई तीन तरह के रिस्क हो सकते हैं। एक तो होता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का मतलब होता है कि आज आपने ट्रांजेक्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और सेटलमेंट कोई फ्यूचर डेट पे होने वाला है, आज कॉन्ट्रैक्ट किया और सेटलमेंट कोई फ्यूचर डेट पे होने वाला है, तो इन दो डेट के बीच के एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा, उसे कहा जाता है रिस्क। सो आपको ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से गेन भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपने अगर 1,00,000 का माल खरीदा है यहाँ पे 70 रुपये के हिसाब से, तो लॉजिकली आपने 70 लाख रुपए देने बनते हैं, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो वो रेट हो गया 72, तो आपको 72 लाख रुपए देने पड़े। तो 70 की जगह जब आप 72 लाख रुपीज़ दे रहे हो तो ये जो 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है इसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। निकालना आएगा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है सर आपका
translation exposure. Now this translation exposure is more or less applicable in your financial reporting wala subject, not in the SFM, because translation exposure का मतलब जब आप closing dates पे balance sheet में जो balance sheet के items होते हैं उसको आप translate करते हो closing rates पे या average rate पे, तो जो profit and loss आता है, आप लिखते नहीं हो आपके account में, एक account बनता है profit और loss या profit और loss, या फिर आप gain और gain due to exchange rate difference. So जो exchange rate की वजह से जो difference आता है वो translation exposure है, जब बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट पे हम वापस से रिवाइज करते हैं, सॉरी वापस से रिवाइज करना क्या बोलता हूँ, जब हम रिवाइज करते हैं अपने बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स हो या जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एवरेज रेट से कन्वर्ट करते हैं, तो जो लॉस और गेन आता है उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है. और बाद में इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस दिखाता है कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट यहाँ पे कुछ और था 70 और यहाँ पे हो गया 72, उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ आपको 2 लाख रुपए का नुकसान नहीं होता, आगे जाके आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालता है, आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी कम ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से भी जो नुकसान होता है वो भी 2 लाख रुपये में ऐड होगा. सो डिमांड की वजह से भी अगर नुकसान 1 लाख रुपये का हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्सपोजर आपका 3 लाख का कहलाया जाएगा. ट्रांजेक्शन 2, इकोनॉमिक 3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्सपोजर, है आप बोल सकते हो बिजनेस एक्सपोजर. अब बात करते हैं सर रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग. रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स, जब भी कभी हेजिंग की बात आएगी फॉरेक्स में, अभी आप लास्ट पॉइंट पे क्या देख रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज में होने वाले रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. तो सर फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क मैनेजमेंट के डिसीजन पॉइंट पे आप तो एक पहले डिसाइड करोगे कि आज अगर आपने डॉलर में कोई चीज़ खरीद के लाए हो 3 महीने बाद उसका पेमेंट करना है, या फिर डॉलर में कोई चीज़ बेची हो, डॉलर यानी फॉरेन करेंसी में कोई चीज़ बेची हो 3 महीने बाद वो पैसा मिलने वाला है, तो रिस्क तो है ना आपको. यहाँ पे रिस्क क्या है कि जब 3 महीने बाद डॉलर खरीद के देने की बात आएगी तब शायद ज़्यादा पैसा देना पड़े. जैसे यहाँ पे 3 महीने बाद 1 लाख डॉलर खरीद के, 1 लाख डॉलर खरीदा तो 72 के रेट से खरीदा, 72 लाख रुपीज़ दिया, यानी ज़्यादा पैसा दिया, ये रिस्क था. 70 लाख की चीज़ का पेमेंट 72 लाख में किया तो रिस्क है कि नहीं है सर, है. इस चीज़ को अवॉइड करना है कि नहीं करना है ये डिसीजन लेना. तो अगर आपको हेजिंग करना है तो आप बोलोगे सर यस ठीक है मेरे को हेजिंग करना है, अदरवाइज हेजिंग नहीं करना, ये भी एक डिसीजन होता है. और अगर आपको हेजिंग नहीं करना तो उसको कहा जाता है कीपिंग द पोजिशन ओपन, ओपन रखना रिस्क को, जो रेट होगा उस दिन देखा जाएगा उस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे, ये होता है कीपिंग द पोजीशन ओपन. दूसरा हिस्सा है सर हेजिंग, अगर ओपन रखना है कोई हेजिंग नहीं करना तो कहानी वहीं ख़त्म हो गई ना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ रहो घर पे चले जाओ. लेकिन अगर हेजिंग करना है तो हेजिंग 2 तरीके से की जा सकती है, एक होता है इंटरनल हेजिंग, दूसरा होता है सर एक्सटर्नल हेजिंग. इंटरनल हेजिंग क्या होता है, इंटरनल हेजिंग के कई सारे तरीके हैं. सबसे पहले आता है सर होम करेंसी इनवॉइसिंग, जब आप सामने वाले को माल बेच रहे हो, आप इंडिया में हो, आप अमेरिका से कुछ सामान खरीद के लेके आ रहे हो, उसको बोलो बिल बनाए रुपीज़ में, डॉलर में नहीं रुपीज़ में, तो आपने इनवॉइसिंग कराई होम करेंसी में. अगर उसने रुपीज़ में आपको अमाउंट दे दी कि 50 लाख रुपए आपने पे करना है, तो आज पे करो या 6 महीने बाद करो, आपके जेब से तो 50 लाख रुपए ही जाएंगे, आई बात समझ में, क्योंकि आपने होम करेंसी में इनवॉइसिंग कराई. अगर फॉरेन करेंसी में कराते तो 1 लाख डॉलर का 70 के हिसाब से 70 लाख रुपए जाते आज, वही 6 महीने बाद पेमेंट करना पड़ा तो 1 लाख डॉलर का 72 के हिसाब से 72 लाख गए, ज़्यादा गए. सो फॉरेन करेंसी में इनवॉइसिंग करने के बजाय आप होम करेंसी में इनवॉइसिंग करवाओ. लेकिन उससे एक दिक्कत होती है, जैसे अगर आप माल बेच रहे हो अमेरिका से, कोई तो कस्टमर आया आपके पास में और आपने उसको इनवॉइसिंग कर दी, वो चाहेगा कि डॉलर में इनवॉइसिंग करो, लेकिन आपके लिए रिस्क है, आपकी करेंसी में इनवॉइसिंग नहीं हुई तो आपके लिए रिस्क है. और अगर आपने होम करेंसी में इनवॉइसिंग कर दी रुपीज़ में, तो कस्टमर पे रिस्क शिफ्ट कर दिया, ये होता है. आपके यहाँ से तो हट गया, आपने तो हेजिंग कर ली, लेकिन आपने वो रिस्क खत्म नहीं किया, आपने रिस्क वो शिफ्ट किया है. होम करेंसी इनवॉइसिंग में खत्म नहीं होता रिस्क, शिफ्ट होता है कस्टमर पे, और इससे चांसेस है कि कस्टमर आपके आगे जाके कम हो सकते हैं. सो सिर्फ एक्सचेंज रेट का रिस्क हटाने के चक्कर में पूरा कस्टमर ही खत्म हो जाए तो पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, तो ये आपको काफ़ी दिक्कत दे सकती है ये मेथड. दूसरा होता है लीडिंग एंड लैगिंग. एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख डॉलर का माल आज खरीदा, 70 रुपए के हिसाब से आज 70 लाख देने बनते हैं अगर आज देने होते तो, आपको 3 महीने बाद देने हैं, और लेकिन आपको लग रहा है कि यार जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो वो रेट 72 हो जाएगा और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे को नहीं पे करने.
आपको लगता है कि आज से ठीक एक महीने बाद रेट कुछ गिरेगा 69, फिर बढ़ना शुरू होएगा। तो आपको अगर लग रहा है एक महीने बाद गिरेगा तो यहीं पे सेटलमेंट कर दो, 69 लाख रुपीज़ में सेटलमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना या ड्यू डेट से पहले ट्रांजेक्शन सेटल कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है सर, जो भी ड्यू डेट है उसके पहले जब आप ट्रांजेक्शन खत्म कर रहे हो, भले ही वो एक्सपोर्ट वाला हो या इम्पोर्ट वाला हो, दैट विल रिजल्ट इन टू अ लीडिंग, सेटल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, 1 लाख डॉलर का माल बेचा, खरीदा नहीं बेचा। आज अगर आपको पैसे मिलते तो 70 लाख मिल सकते हैं, लेकिन ये 6 महीने बाद मिलेंगे और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे रेट 65 जा सकते हैं, तो फिर कन्वर्ट करा के 65 लाख ही हाथ में आएंगे, फ़ायदा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर आज से ठीक एक महीने बाद में रेट तकरीबन 69 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अगर कस्टमर को बोलो फ़ोन करके कि तू 6 महीने बाद देने वाला था, तू एक काम कर, आधा परसेंट डिस्काउंट ले ले, 1% डिस्काउंट ले ले, और तू मेरे को 1 महीने बाद ही पेमेंट कर। और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल वो 1 लाख डॉलर की जगह आपको आपने तकरीबन उसको कितना 10% तो नहीं, 1% का डिस्काउंट दिया हो, तो 1% के हिसाब से आपका 1,000 रुपये कम हो जाएगा और आपको 99,000 वो डॉलर पेमेंट कर देगा। तो सोचो यहाँ पे तो 1 लाख करेगा पूरा, तो उसके हिसाब से आपको 65 लाख रुपीज़ मिलते, लेकिन 99 भी अगर कर रहा है 69 पे, अगर वो 1 महीने पहले कर रहा है तो आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपको 99,000 डॉलर मिलेंगे 69 रुपीज़ पे कन्वर्ट कराओगे, तो आपके हाथ में फिर भी 68.31 लाख होंगे। 1 लाख डॉलर लेके भी 65 लाख मिल रहे हैं आखिरी में, कम लेके भी ज़्यादा मिल रहे, तो क्यों नहीं, ये पूरा था ना, ये बेनिफिशियल है 68.31 लाख। तीसरा किस्सा, सो आपने क्या किया पता है, जो ट्रांजेक्शन किसी डेट पे सेटल होने वाला था उसके पहले ही सेटल कर लिया। सो दोनों केस मैंने आपको लीडिंग वाले बताए कि किसी भी डेट के पहले सेटल कर लेना, क्योंकि आपको लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि रेट आपके फेवर में होंगे पहले, तो पहले सेटल कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग। दिस इज ड्यू डेट। अगर आपको लगता है इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर कि आपको किसी पहले वाली डेट पे आपके फेवर में रेट होंगे, तो आप पहले सेटल कर लो, यहाँ पे इसको कहा जाएगा लीडिंग। और आप यहाँ पे सेटल करोगे, आपको लगता है कि यार बाद में रेट फेवर में होंगे, तो आप थोड़ा सा लेट पेमेंट करो या लेट रिसीव करो, उसको कहते हैं लैगिंग। सीधी सी बात है, पैसा जल्दी मंगवाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, पैसा लेट पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो भी हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देखो कि जल्दी पेमेंट करके नेट में कितना बचता है, जल्दी पैसा लेके नेट में कितना बचता है, बचता है अच्छा, ज़्यादा ही बचता है तो लीडिंग, अदरवाइज ड्यू डेट, वैसे ही लैगिंग में करके देखो। उसके बाद आता है सर नेटिंग। नेटिंग में क्या होता है, कंपनीज़ अपनी जो पूरी ग्रुप कंपनी, एक कंपनी है, एक कंपनी की कई सारी ब्रांचेस है, कई सारे सब्सिडरीज होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अब कई बार क्या होता है, इन कंपनीज़ के बीच में आपस में कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो हेड ऑफिस इंडिया में है, इंडिया के हेड ऑफिस ने अमेरिका वालों को बेचा, अमेरिका वाले ने अपनी ही कंपनी के इंग्लैंड वाली ब्रांच को या इंग्लैंड वाली सब्सिडरी को कुछ बेचा, तो एक दूसरे से लेना देना बनता है। अब नेटिंग का मतलब यह होता है कि सर सब, तो सबसे पहले तो आप एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे सारा का सारा लेना देना और फिर सेटल करोगे, दैट इज़ नेटिंग, नेट ऑफ करके। आप डॉलर इंडिया भिजवा रहे हो, फिर पाउंड आप, सॉरी, आप डॉलर इंडिया भिजवा रहे हो, फिर पाउंड इंग्लैंड भिजवा रहे हो, एक ही कंपनी दो अलग अलग जगह पे पेमेंट कर रही है अलग अलग करेंसी में, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है। ये सब ना करते हुए सारी ग्रुप कंपनीज या सब्सिडरी और हेड ऑफिस मिला के अगर एक ही करेंसी में सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो लेना देना है वो कैलकुलेट कर ले, और फिर एक ही करेंसी में एक ही जन को अगर सेटल कर दे, तो कहानी ख़त्म हो जाती। आई बात समझ में, दिस इज़ नेटिंग। और मैचिंग क्या होता है, मैच करना और नेट करना, ये नॉर्मली एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो हमने मैचिंग में पढ़ा था, ये तो हमने नेटिंग में पढ़ा था, बट नेटिंग और मैचिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। मैचिंग में क्या होता है कि थर्ड पार्टी भी आके आपके साथ में ट्रांजेक्शन कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ मैचिंग कैसा होगा, दिस इज़ US एंड दिस इज़ इंडिया, और चार लोग हैं
एक दो तीन चार, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पार्टी ने इसको देना बनता है $1,00,000। अब मैं अपने मन से ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूंगा अगर मुझे लगा तो। इस पार्टी ने इसको देना बनता है $50,000। आ रही बात समझ में आपको? अब कर क्या रहा हूँ, दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इंडिया और यूएस के बीच में, यहाँ से $1,00,000 आ रहा है और वहाँ से $50,000 जा रहा है, और इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, जो बैंक्स होती है ये एक्स्ट्रा पैसा खाती है। इससे अच्छा आप क्या करोगे पता है, इस बंदे को $50,000 मिलना ही है, आप किस तरह से सेटल करोगे? देखो ये बंदा 50,000 इधर दे दे, ठीक है, इधर ना देते हुए, तो उसको तो चौथे वाले को 50,000 देना था, किसी को भी दे इधर या इधर, अपनी ही कंट्री में देगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगी, अपने ही कंट्री में अगर देगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगी, क्योंकि उसको वैसे भी रुपीस रुपीस दे के डॉलर खरीदता और यहाँ भेजता। अब तो साला डॉलर खरीदने की झंझट ही खत्म, $50,000 रुपीस इंडिया के इंडिया में रुपीस सेटल कर लिया, $50,000 जितना रुपीस वो इधर दे दे, चौथा पार्टी तीसरे को दे देगा। अब इसको 50 तो मिल गए, अब तीसरे वाली पार्टी पहले वाले को बोलेगी कि तू इधर में 50 दे दे, तो दूसरे को मिलना था, इसकी कहानी खत्म, चौथे वाले की कहानी खत्म, और मुझे सिर्फ तू $50,000 बेच। तो तीसरे वाली पार्टी को देखो, 50 चौथे से मिले और पहले से मिले, इंडिया के इंडिया में मिले तो कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही नहीं आई, और यहां पे भी देखो एक ये जो बंदा है इसने यूएस के यूएस में $50,000 इसको दे दिए तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आई, इसको सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है या इंडियन पार्टी को ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है जो ₹50,000 यूएस से इंडिया गया सिर्फ, तो आपने ये सब मैचिंग वैचिंग करके सब कहानी खत्म कर दी। अब क्या हुआ ध्यान दोगे, पहले $1,50,000 पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही थी, अब सिर्फ $50,000 पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है, क्योंकि सिर्फ उतना ही अमाउंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है। ये होता है मैच करना, लेना देना जो भी होता है सेटल करना। उसके बाद में सर इंटरनल रेट ऑफ सॉरी इंटरनल मेथड एक और है आपके रिस्क को कम करने की। ये क्या किया सर, हमने रिस्क तो कम किया ही ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ $50,000 कन्वर्ट होने वाले हैं मैचिंग करने के बाद, सिर्फ $50,000 पे एक्सचेंज रेट का रिस्क है, बाकी तो सब सेटल हो गया अपने अपने देश में। प्राइस वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कहीं आपको जाके अगर ऐसा लग रहा है कि आज मैं माल बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो ही समझेगा सर। अब यहां से लो, आप कोई चीज इंडिया में ₹100 की बेचते हो, रुपीस पर डॉलर का रेट ले लो 50 है। अब कोई यूएस से अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप उसको $2 का इनवॉइस बना के बेचते हो, क्योंकि ₹100 की चीज की इक्विवेलेंट वैल्यू $2 होती है। इंडिया में बेचा तो ₹100 में, यूएस में बेचा तो $2 में, ये डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि ₹100 में बेचा तो ₹100 हाथ में आता है, लेकिन $2 बेचने के बाद ₹100 हाथ में आया ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आज आपने जो रेट पे बेचा उसका पेमेंट आपको $2 यहाँ मिलने वाला है, और उस दिन अगर रेट 49 हो गए तो आपको सिर्फ ₹98 मिलेंगे, 100 नहीं, $2 के 2 तो मिले लेकिन रुपीज 100 नहीं हुए। अगर आपको ऐसा डर है तो ऐसे टाइम पे आप $2 में नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा में बेचो, तो लॉजिकली उसकी प्राइस $2 बनती है, लेकिन आप इस प्राइस में कुछ वेरिएशन लाओ, आपको लगता है कि रिस्क हटाना है तो प्राइस बढ़ा दो, आपने $2.5 कर दी, तो इनवॉइसिंग में जब आप प्राइसेस बढ़ा देते हो अपने प्रोडक्ट की तो उसे कहा जाता है प्राइस वेरिएशन, और ये भी एक टेक्निक है रिस्क को कम करने की। तो अगर आप $2.5 में बेचोगे तो 2.5 × 49 आपको मिलेंगे, वो होता है सर 122.50, 100 से तो कई गुना ज़्यादा मिल रहा है आपको। आई बात समझ में? सो दिस इज़ प्राइस वेरिएशन। और लास्ट में है सर असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल, आप साल भर ट्रांजेक्शन करते हो, साल भर ट्रांजेक्शन करने के बाद में पढ़ने का थोड़ा सा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, चलो साल भर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप देखते हो कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे साल भर जाते जाते हैं। अब अल्टीमेटली आप क्या करते हो पता है, उस तरह से अपनी बैलेंस शीट में असेट्स, अगर पैसा लेना है तो
या लाइबिलिटी अगर पैसा देना है तो का बैलेंस लेके आते हो, जिस हिसाब से आपको लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट होने वाली है। जैसे अगर आपको लगता है, ध्यान देना, डॉलर आज 70 रुपए पर है, आप बेच रहे हो माल, एक्सपोर्टर हो, अगर आप एक्सपोर्टर हो, ठीक है, तो आज 70 है, कल 72 हो गया तो कितनी अच्छी बात है। 1 लाख डॉलर है यहाँ पे, 1 लाख डॉलर है, 1 लाख डॉलर आज मिलते तो सिर्फ 70 लाख होता है। एक सेकेंड ना, सो 1 लाख डॉलर अगर आज आपको मिलते तो सिर्फ 70 लाख मिलते, लेकिन अगर 6 महीने बाद मिलेंगे तो 72 लाख मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आगे जाके रेट 70 का 72 हो जाएगा, यानी कि एप्रिशिएट होगा, तो आप अपने बैलेंस शीट में डॉलर के रिसीवेबल्स बढ़ाते जाओगे, क्योंकि आपको आगे गेन होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज असेट मैनेजमेंट। उसी तरह से आप लाइबिलिटीज़ मैनेज करोगे। अगर आपको लग रहा कि 70 लाख देने के बजाय 72 देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज़ आप डॉलर वाली कम करोगे, और अगर लग रहा कि 70 की जगह 57 हो रहा है, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ाओगे आज, क्योंकि आगे जाके कम पेमेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज अ सर्टेन लाइबिलिटी मैनेजमेंट। दिस इज ऑल इंटरनल हेजिंग। तो फॉर्मूला नहीं है सर, कोई तरीके हैं। सबसे पहले होम करेंसी में इन्वॉइसिंग करना, फिर लीडिंग एंड लैगिंग, नेटिंग, मैचिंग, प्राइस वेरिएशन और असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। जहाँ फॉर्मूलेज और कैलकुलेशन की बात आती है, वो है सर एक्सटर्नल हेजिंग। एक्सटर्नल हेजिंग में नॉर्मली आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हो। इंटरनल हेजिंग मतलब आप कंपनी के अंदर ही, खुद ही आप किसी तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके ट्रांजेक्शन करते हो, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। लेकिन एक्सटर्नल हेजिंग में आप एक्सटर्नल पार्टीज की मदद लेते हो। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप बैंक की मदद लोगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करेंसी पे लेने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की मदद लोगे, स्वैप्स में भी आप बैंक की मदद लेते हो। ऐसे बाहर वाली पार्टियों से जब आप अपना रिस्क कम करने के लिए, करेंसी रिस्क कम करने के लिए मदद लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल हेजिंग। और एक्सटर्नल हेजिंग में हम डेरिवेटिव्स देखेंगे। डेरिवेटिव्स में अगेन हम फॉरवर्ड करेंसी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना, फ्यूचर्स लेना और स्वैप्स लेने वाली बातें करेंगे। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, या अगर हमने यहाँ पे देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। आज अगर आपको लगता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। आपने 1 लाख डॉलर की मशीन मंगाई, आज रेट है 50 रुपये पर डॉलर, तो आज तो 50 लाख देना बनता था अगर आज सेटल होता तो, लेकिन आज सेटल नहीं होना है। आपने 6 महीने की मोहलत मांगी है, लेकिन आपको अब ले तो लिए मशीन, 6 महीने बाद 1 लाख डॉलर देना है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आपको लगता है कि साला यहाँ पे रेट ना 70 चले जाएगा, और जब मेरे को 1 लाख डॉलर देने की बात आएगी तब 70 लाख रुपये दे के 1 लाख डॉलर खरीदूंगा और सामने वाले को पेमेंट करूंगा, और मैं नहीं चाहता यार कि 50 लाख की चीज़ का 70 लाख पेमेंट करूं। तो आज ही ये पॉइंट पे मैं बैंक जाऊंगा और बैंक के पास जाके बोलूंगा कि सर यहां से ठीक 3 महीना बाकी है ड्यू डेट को, ठीक है, 3 महीना बाकी है ड्यू डेट को, मैं 3 महीने बाद आपसे 1 लाख डॉलर खरीदूंगा, आज रेट बताओ, आज रेट फिक्स करो, मैं उस दिन के रेट से पेमेंट नहीं करना चाहता स्पॉट रेट पे, आज रेट फिक्स करो। बैंक बोलता ठीक है, आप अगर 1 लाख डॉलर खरीदोगे, पक्का बोलते हो 3 महीने बाद, तो हम आपको रेट कोट करते हैं 60 का। अब आप सोचते हो यार चल ठीक है, मेरे को लग रहा 70 हो जाएंगे, 70 लाख देने के बजाय 60 लाख देना ठीक है, भले ही ज़्यादा ही दे रहे हो, लेकिन 10 लाख ही ज़्यादा दे रहे हो ना। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बैंक के साथ में, तो आपको 70 देना पड़ेगा, तो 20 लाख ज़्यादा देने के बजाय तो सिर्फ 10 लाख ज़्यादा दो, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए। इसे कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? और कहानी खत्म। 3 महीने बाद आप 60 में पेमेंट करो और फिक्स हो गया आपका आउटफ्लो। उस दिन रेट 70 हो, 80 हो या 50 हो, कुछ भी रेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात आती है सर फ्यूचर्स की एंड ऑप्शंस की। अब इस चीज में एक ध्यान रखो, यहां पे गलतियां करते हैं बच्चे। क्या गलतियां करते हैं?
फ्यूचर्स में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने या बेचने ये डिसाइड करना पड़ता है। सो पहले तो आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हमें फ्यूचर्स खरीदना है या बेचना है। हमेशा खरीदना नहीं हो सकता, हमेशा बेचना नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लगेगा सर, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट का ही कोई प्रॉब्लम लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड ना, फॉरवर्ड मनी करेंसी फ्यूचर्स वगैरह क्यों नहीं है कहीं पे? अच्छा ये रहा, यूज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी ध्यान से देखो, ये कंपनी, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन लिमिटेड एक यूके की कंपनी है, तो इनका होम करेंसी हो गई पाउंड। अब इट इज इन निगोशिएशन ऑफ 4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, तो 4 मिलियन ये एक्सपोर्टर है सर। अब ठीक है, ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसको 4 मिलियन यूरो आएंगे। जब उसको 4 मिलियन यूरो, एक सेकंड ना होल्ड करना, बाहर में बातें ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टरबेंस हो रहा होगा इसलिए मैंने मना करके आया उनको। चलो ठीक है, तो एक यूके की कंपनी जिसकी होम करेंसी है पाउंड, वो किसी यूरो करेंसी वाले कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होता है तो 4 मिलियन यूरोज़ आएंगे। ये 4 मिलियन यूरोज़ में बेचना चाहता हूँ, 4 मिलियन यूरोज़ में बेचूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सर यूरोज़ बेचना है। इसका मतलब मैं पाउंड खरीदना चाहता हूँ, मैं यूरोज़ बेच के पाउंड लेना चाहूँगा ना बैंक से मेरे कंट्री में। अब फ्यूचर्स खरीदना है कि बेचना है ये आपको बताना है, और इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पता नहीं चलता। फ्यूचर्स खरीदना है कि बेचना है ये पता चलता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग असेट क्या है। अब आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ पर देखो कि 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ करंटली ट्रेडेड एट 1.1760 यूरो पर पाउंड। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको फ्यूचर्स बेचना चाहिए कि खरीदना चाहिए। आप बोलोगे सर 4 मिलियन यूरोज मुझे मिलने वाले हैं, 4 मिलियन यूरोज में बेचने वाला हूं, तो फ्यूचर्स बेचो। गलत। आपको क्या खरीदना है बेचना है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सचेंज क्या खरीद और बेच रहा है उससे फर्क पड़ता है। और एक्सचेंज में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज दिया है या यहाँ जो अंडरलाइंग असेट दिया है वो है पाउंड, यानी फ्यूचर्स अवेलेबल है पाउंड पे। ध्यान देना, फ्यूचर्स दो चीज़ों पे अवेलेबल हो सकते हैं, पाउंड पे या यूरो पे। अब अगर पाउंड पे फ्यूचर्स अवेलेबल है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे सर फ्यूचर सेल करना है? फ्यूचर सेल करना मतलब पाउंड सेल करना, और यहाँ पे अगर आप फ्यूचर सेल करते हो तो यूरो सेल करना। अंडरलाइंग असेट क्या है सर? पाउंड। और पाउंड के साथ आपको क्या करना है, ऊपर जाके देखोगे तो सर मेरे को पाउंड खरीदना है, तो आप फ्यूचर्स भी खरीदोगे। भले ही आपको यूरो बेचना होगा लेकिन यूरो इज नॉट द अंडरलाइंग असेट, वॉट एवर इज द अंडरलाइंग असेट दैट शुड बी डिसाइडेड। सो पाउंड, आप पाउंड अगर आपकी अंडरलाइंग असेट है फ्यूचर्स में, तो पाउंड आप खरीदना चाहते हो तो आप फ्यूचर्स खरीदो। सिंपल, ये तो अंडरलाइंग असेट होता ना। यूरो अगर अंडरलाइंग असेट होता तो मैं यूरो बेचना चाहता हूँ तो फ्यूचर्स बेचता ना, लेकिन यूरो अंडरलाइंग असेट है ही नहीं। वैसे ही ऑप्शंस, अब मैं ऑप्शंस में बता रहा हूँ कॉल और पुट में। ध्यान देना, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई थी मुझे, ये है एक्स वाई जेड एन इंडियन फर्म विल नीड टू पे जैपनीज येन। अब आप मुझे बताओ, इंडियन फर्म
इंडियन फर्म, होम करेंसी फॉरेन करेंसी, INR जापनीज येन। अब हमें क्या करना है, हमें जापनीज येन पे करना है किसी को ना, कुछ मंगाया होगा जापान से, पे करना है जापनीज येन, तो जापनीज येन खरीदना पड़ेगा। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू बाय जापनीज येन एंड दैट मींस वी वांट टू सेल INR। मैं जापनीज येन खरीदूंगा तो बैंक को कुछ दूंगा ना, क्या रुपीज, तो मैंने रुपीज बेचा, जापनीज येन खरीदा। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में ये डिटेल दी गई है, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस है जापनीज येन 2.125, कॉल ऑप्शन इतने प्रीमियम में मिलेगा, पुट ऑप्शन इतने प्रीमियम में मिलेगा। बोलो कॉल ऑप्शन लोगे कि पुट ऑप्शन लोगे? अब आप यहाँ पे गलत डिसीजन कैसे लेते हो, आप ये देखते हो कि मुझे क्या चाहिए। सर मुझे जापनीज येन तो बाय करना है, और बाय करना मतलब कॉल ऑप्शन, तो आपने ले लिया कॉल ऑप्शन जो कि हो गया गलत। कैसे गलत हुआ, अब उसी के आगे मैं चल के बताता हूँ। कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय अंडरलाइंग असेट, बट आपने तो देखा ही नहीं कि अंडरलाइंग असेट क्या है। सर अंडरलाइंग असेट जापनीज येन है ना? अबे तू थोड़ी डिसाइड करेगा कि अंडरलाइंग असेट, तेरे को जो चाहिए वो अंडरलाइंग असेट बन गया, तेरे को जो चाहिए वो एक्सचेंज बेचने लग गया। ना 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 ना, अंडरलाइंग असेट वो होता है जो स्टॉक एक्सचेंज बेचता है। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बेचा बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है जापानीज येन 2.125 पर रुपी। तो व्हाट इज द अंडरलाइंग असेट इन दिस क्वेश्चन? 2.125 इज द प्राइस विच इज इन जापानीज येन, द बैलेंस इज INR, दिस इज योर असेट। तो कॉल ऑप्शन जो मिल रहा है वो है असेट पे, पुट ऑप्शन जो है वो है असेट पे। कॉल ऑप्शन खरीदना मतलब राइट टू बाय द असेट मीन्स रुपीज, राइट टू बाय रुपीज कॉल ऑप्शन खरीदना, पुट ऑप्शन राइट टू सेल रुपीज। व्हाट डू यू वांट टू डू विद द अंडरलाइंग असेट? सर वी वांट टू सेल द अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट इज INR। नीचे देख के पता चला कि INR अंडरलाइंग असेट है, फिर मैंने ऊपर देखा तो INR तो मैं बेचना चाहता हूँ, तो बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ से मैं फिर से आपको एक एक बार समझा रहा हूँ, लास्ट टाइम है, देन वील मूव। ध्यान देंगे सर, दो दुकान है, एक जगह पे येन मिल रहा है, एक जगह पे रुपीस मिल रहा है, ठीक है। ये अंडरलाइंग असेट है येन, इस पे कॉल और पुट, उधर भी अंडरलाइंग असेट रुपीस है, उस पे कॉल और पुट। अब ये येन मिल रहा है सर 0.047 INR में, और वहां रुपीस मिल रहा है सर 2.125 जापानीज येन में। आपने देखा कि मुझे सर जापानीज येन बाय करना है और INR सेल करना है, कॉल ऑप्शन लोगे कि पुट ऑप्शन लोगे? अब आपको जो दुकान दी गई है ना, वो ये वाली दुकान दी गई है क्वेश्चन में, और आपने जो गलत डिसीजन लिया वो ये वाली दुकान समझ के लिया, ये वाली दुकान क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। अगर आपको जापानीज येन बाय करना है और दुकान में रुपीस बिक रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे? कॉल ऑप्शन लोगे तो इसका मतलब रुपीस खरीदना चाहते हो, जबकि यहाँ आपको जापानीज येन खरीदना है। पुट ऑप्शन लोगे यानी रुपीस बेचना चाहते हो, और यस यहाँ पे आपको रुपीस बेचना है, तो कौन सा आइटम निकल रहा है यहाँ पे? पुट ऑप्शन आंसर निकल रहा है। बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आती है कि सर पुट ऑप्शन क्यों लिया नीचे में, यहाँ पे आप अगर यहाँ देखोगे तो दिस इज पुट ऑप्शन, क्यों लिया सर? क्योंकि रुपीस बेचना चाहते हैं हम, जो अंडरलाइंग असेट है। तो आप कैसे डिसाइड करना सर एग्जाम में? बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। पढ़ो ढंग से, ऑप्शंस की बात करते हैं। अच्छा इन्होंने तो एग्जांपल लेके समझाया, वेदर वी वांट टू बाय फ्यूचर्स और बाय ऑप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग असेट विच द स्टॉक एक्सचेंज इज ट्रेडिंग। से इफ यू वांट टू बाय डॉलर्स, अगर आपको डॉलर्स खरीदना है और रेट दिया है आपको रुपीज पर डॉलर 50, रुपीज पर डॉलर 50, और डॉलर ही असेट है यहाँ पे, और डॉलर ही खरीदना है, तो फ्यूचर्स खरीदेंगे। जो असेट है, जो भी चीज आप खरीद रहे हो ना फ्यूचर्स, इसका मतलब आप असेट खरीद रहे हो।
कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय द असेट, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल द असेट, बस इतनी सी चीज़ याद रखो। आगे बढ़ता हूँ सर, यहाँ पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, रिविजन वीडियो से समझ नहीं आ रहा मैं डिटेल में क्यों जा रहा हूँ। सो कंक्लूजन क्या है, ध्यान देना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग असेट विच द स्टॉक एक्सचेंज इज ट्रेडिंग इन एंड नॉट वॉट यू वॉन्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू सेल असेट, ध्यान देना, इफ यू वॉन्ट टू सेल असेट फॉर्मूला है बिल्कुल, अगर रटना चाहे रट लो, मतलब अगर नहीं दिमाग लगाना तो, इफ़ यू वॉन्ट टू सेल असेट सेल फ्यूचर्स और बाय पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन बाय करके आप सेल करते हो असेट, एंड इफ यू वॉन्ट टू सेल असेट, इफ यू वॉन्ट टू बाय असेट बाय फ्यूचर्स और बाय कॉल ऑप्शन। If you will solve currency futures and options questions by considering the above logic, the answer will never be wrong. ये चीज़ याद रखना, ठीक है। So, external hedging में आपके पास दो तरीके थे hedging करने के, एक था derivatives method और दूसरा है सर money market hedging। अब money market hedging क्या होता है आप ध्यान से समझ लो। money market hedging में कहा जाता है कि सर अगर आपके पास में फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो फॉरेन करेंसी असेट क्रिएट करो, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो फॉरेन करेंसी असेट क्रिएट करो, और अगर फॉरेन करेंसी असेट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करो। क्यों? मनी मार्केट हेजिंग क्या बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क तभी होता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश का फ्लो होता है। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश का फ्लो ही नहीं होगा तो कोई रिस्क भी नहीं होगा। तो हमको मनी मार्केट हेजिंग में इस तरह से ट्रांजैक्शंस को फ्रेम करना है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाए ही ना। तो अगर आपकी लायबिलिटी है, मतलब इंडिया से डॉलर आपको अमेरिका भिजवाना है 3 महीने बाद 1 लाख, तो ऐसे ट्रांजैक्शन फ्रेम करो कि 3 महीने बाद 1 लाख डॉलर कहीं और से आना भी है। So, 3 महीने बाद ठीक 1 लाख किसी को भेजना होगा, 1 लाख कहीं से आना होगा, तब आप क्या करेंगे 3 महीने बाद, ध्यान देना। मनी मार्केट हेजिंग क्या बोलता है, मैं सिर्फ सर लॉजिक पढ़ाऊंगा क्योंकि उस क्वेश्चन में तो टाइम लग जाएगा आपको। दिस इज इंडिया, दिस इज यूएस। अब आपको भेजना है पैसा 1 लाख डॉलर, किसको? मिस्टर ए को। फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है 3 महीने बाद। आप एक काम करो, बी से पैसा लेना हो ऐसा ट्रांजेक्शन फ्रेम करो, कितना? 1 लाख डॉलर 3 महीने बाद। सर बी हमको पैसा क्यों देगा? बी आपको पैसा देगा अगर आज आप उसके पास में, आज आप उसके पास में कुछ पैसा जमा कराते हो 90,000। आप एक काम करो, बी को आज 90,000 रुपये दे दो, इन्वेस्ट कर दो। लेट से बी बैंक है, 90,000 इन्वेस्ट कर दिया तो 3 महीने बाद वो 1 लाख डॉलर दे देगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ। 3 महीने बाद वो 1 लाख डॉलर आपको दे देगा, देना बनता है, ठीक है। तो सर 90,000 डॉलर जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर आज ये जो है स्पॉट मार्केट, ये जो है स्पॉट मार्केट में आप 90,000 डॉलर खरीदोगे, बाय करोगे, और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेट से 50 लाख रुपए। ये बैंक है, बैंक में गए आज, 50 लाख रुपए दिए, 90,000 डॉलर लिए, वो 90,000 डॉलर बी के पास इन्वेस्ट कराए, 3 महीने बाद 1 लाख डॉलर बन जाते हैं लेने के और उसको देने के। 3 महीने बाद ठीक, आप एक काम करो, दोनों को फ़ोन करके बोलो, देख भैया मैं तेरे को पैसे नहीं भिजवा रहा, नहीं भिजवा रहा मतलब नहीं भिजवा रहा, तो क्या कर लेगा? बी से लेना बनता है, ए को देना बनता है। आप क्या बोलोगे? बी को बोलोगे कि तू एक काम कर, ए को दे दे। तो ए को मिलना चाहिए था 1 लाख डॉलर, मिल गया, बी को वैसे भी देना था, मुझे ना देते हुए उसको दे दिया, कहानी ख़त्म। मेरे कंट्री से उसकी कंट्री में कोई भी कैश का फ्लो नहीं हो रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे 3 महीने बाद। लेकिन अब 3 महीने बाद क्या हुआ, ये जो 50 लाख रुपये है ये मैंने उधार लिए थे कहीं से, मैंने 50 लाख का उधार लिया, फॉरेन डीलर को दिया, उससे 90,000 लिए और 90,000 इन्वेस्ट किए, तब जाके ये सारे ट्रांजेक्शन बने। तो ये जो 50 लाख का उधार लिया है इसको चुकाना तो पड़ेगा ना सर, विथ इंटरेस्ट 52 लाख रुपए। तो 3 महीने बाद सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मैं यहीं पे इंडिया के इंडिया में ही 52 लाख रुपए चुका रहा हूँ, कैश फ्लो इंडिया के इंडिया में ही हुआ, और 3 महीने बाद उस कंट्री में बी ए को पे कर रहा है डॉलर में, बट 2 कंट्रीज़ में कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा।
जब दो कंट्रीज में कोई कैश फ्लो नहीं है, मैं भी रुपीज में डील कर रहा हूँ इंडियन पर्सन, वो डॉलर में डील कर रहा है यूएस पर्सन, दोनों को एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं। कितनी अच्छी बात है, दिस इज कॉल्ड एज मनी मार्केट हेजिंग। और अगर लाइबिलिटी है तो असेट क्रिएट करो, असेट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करो। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन एक बार पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। दिस इज़ वॉट द एंटायर फॉरन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इज। लास्ट टॉपिक आपका बचा है, पानी पी के मैं उसको चालू करता हूँ, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ आप भी और फिर हम चालू करते हैं। 10 से 15 मिनट में सब खत्म, ध्यान देना। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी तक का सारा एक बार का रिवाइज करवा देता हूँ और फिर ये एक बार मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? सो ध्यान देंगे। अगर अभी तक आपने जितना भी पढ़ा थोड़ा डिटेल में था, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन दे रहा हूँ। मतलब आप जो रिवीजन वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैं अब करवा रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट में सर चार टॉपिक है आपके, एक तो है बेसिक्स, दूसरा है थेरीज, थेरीज के बाद में एक्सपोजर, एक्सपोजर के बाद में रिस्क मैनेजमेंट है। बेसिक्स में हमने 7 चीज़ें देखी सर। पहली चीज़ थी एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट ऐसा रेट होता है सर जो कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया था डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट वो होता है किसी भी एक्सचेंज रेट में जो वैल्यू होती है वो अगर होम करेंसी में है तो डायरेक्ट कोट, फॉरेन करेंसी में है तो इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद में सर डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्ट कोट। बिड और आस्क हमने देखा। बिड रेट क्या होता है, बैंक का बाइंग रेट होता है, भूलना मत, अंडरलाइंग असेट का। आस्क रेट इज द बैंक्स सेलिंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, ठीक है? उसके बाद में बिड रेट ऑफ डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय आस्क रेट ऑफ इनडायरेक्ट कोट, एंड आस्क रेट ऑफ डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय बिड रेट ऑफ इनडायरेक्ट कोट। उसके बाद चौथा टॉपिक था सर आपका क्रॉस रेट का। क्रॉस रेट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी। इसका मतलब है आई एन आर, रुपीज पर पाउंड अगर निकालना है तो रुपीज पर डॉलर लो मल्टीप्लाइड बाय डॉलर पर पाउंड करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हमको रुपीज पर डॉलर बिड का निकालना है तो आगे भी सारा बिड होना, आस्क का निकालना है तो आगे भी सारा आस्क होना। पांचवा टॉपिक है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट एक ऐसा रेट है एक्सचेंज का, अगर आज आपको सेटल करना है, अगर आपको फॉरेन करेंसी आज सेटल करनी है, आज खरीदनी या बेचनी है तो स्पॉट रेट, अगर फ्यूचर में खरीदनी या बेचनी है तो फॉरवर्ड रेट। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अगर बेस करेंसी में है तो फॉर्मूला है एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 12 बाय एन इंटू 100। और अगर होम करेंसी में निकालना है तो सर एस माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 12 बाय एन इंटू 100। उसके बाद में स्प्रेड एंड स्वैप। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, एंड स्वैप इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड। उसके बाद में है सर आपका अच्छा बिड रेट। अगर बिड के पॉइंट्स अगर कम होंगे तो हम बिड पॉइंट्स को ऐड, सॉरी हम स्वैप पॉइंट्स को ऐड करते हैं स्पॉट में फॉरवर्ड निकालने के लिए। और अगर बिड पॉइंट्स ज्यादा होंगे आस्क से तो हम माइनस करते हैं फॉरवर्ड निकालने के लिए। थेरीज इन फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी क्या बोलती है, 1+RD/1+RF इज इक्वल टू forward/spot। ये कब फॉर्मूला काम आता है, डायरेक्ट कोट में। इनडायरेक्ट कोट में 1+RF/1+RD इज इक्वल टू FS। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, ध्यान देना। लो इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए, एप्रिशिएट होनी चाहिए अनटिल एप्रिशिएट होनी चाहिए अप टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एंड अनटिल देन यू कैन बोरो एट लो इंटरेस्ट रेट, बियॉन्ड दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्रीज करेंसी। अब दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी IRPT के हिसाब से डेप्रिशिएट होनी चाहिए, कितने अमाउंट से, जितना इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस आ रहा है। और तब तक आप हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी में या कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बियॉन्ड दैट आपको बोरो करना होगा अगर प्रॉफिट चाहिए तो। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज सिमिलर टू द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, वेयर द फॉर्मूला इज 1+ID/1+IF इज इक्वल टू FS। डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट में उल्टा। उसके बाद इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में नौ में अपना
नॉमिनल रेट और रियल रेट के बीच में इन्फ्लेशन, सॉरी रियल रेट के बीच में रिलेशनशिप. सो वन प्लस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू सॉरी इज इक्वल टू वन प्लस रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन का रेट. उसके बाद में सर एक्सपोजर्स, तीन तरह के एक्सपोजर होते हैं. एक तो होता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, जो दो डेट के बीच में एक्सचेंज रेट के बीच का डिफरेंस होता है. ट्रांसलेशन एक्सपोजर, जो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप ट्रांसलेट करते हो क्लोजिंग रेट्स पे, ये आपका एफआर में कवर होता है. और इकोनॉमिक एक्सपोजर मतलब ओवरऑल एक्सपोजर, जिसमें ट्रांजेक्शन भी कवर हो गया और जिसमें दूसरा आइटम आपका डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे भी हो गया. फिर आपके बात आती है सर रिस्क मैनेजमेंट की. रिस्क मैनेजमेंट में डिसीजन लोगे आप सबसे पहले कि हेजिंग करना है कि नहीं करना. नहीं करना तो कीपिंग द पोजीशन ओपन. अगर आपको करना है तो आपके पास में दो मेथड है सर, इंटरनल मेथड और एक्सटर्नल मेथड. अगर इंटरनल मेथड के थ्रू जाते हो तो सबसे पहले है सर होम करेंसी इन्वॉइसिंग, उसके बाद लीडिंग एंड लैगिंग आता है, नेटिंग आता है, मैचिंग आता है, प्राइस वेरिएशन आता है और असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट आता है. लेकिन अगर आप एक्सटर्नल हेजिंग में जाते हैं तो दो मेथड है सर, डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल करके एक्सटर्नल हेजिंग कर सकते हो और आप मनी मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. डेरिवेटिव्स में आप देखोगे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप. ऑप्शन हो, फॉरवर्ड हो, फ्यूचर्स हो, आप तीनों चीजें में देखेंगे. स्वैप्स में फिलहाल छोड़ रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है. सो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कुछ भी हो, आपको फॉरवर्ड खरीदना है, ऑप्शन खरीदना है या फ्यूचर्स खरीदना है, इसका मतलब अंडरलाइंग असेट खरीदने वाले हो. तो आप पहले ये निकालो कि अंडरलाइंग असेट क्या है, वो मैं खरीदना चाहता हूं कि बेचना चाहता हूं. अगर अंडरलाइंग असेट खरीदना चाहता हूं तो फॉरवर्ड खरीदो, ऑप्शन खरीदो या कॉल खरीदो. अगर मैं अंडरलाइंग असेट बेचना चाहता हूं तो फॉरवर्ड बेचो, फ्यूचर्स बेचो या पुट खरीदो. मनी मार्केट हेजिंग इस तरह से ट्रांजैक्शन को फ्रेम करते हैं कि मैच्योरिटी पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश फ्लो नहीं होना चाहिए. और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई पैसा का लेन देन नहीं होगा मैच्योरिटी पे तो एक्सचेंज रिस्क काय का. इस तरह से एक्सचेंज रेट रिस्क हटा सकते हैं. अब बात करते हैं प्यार वाली, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के डिलीवरी, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन वाली. मैं प्यार वाली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज वॉट समथिंग एट विच यू नीड टू बी क्या बोल सकते हो उसको, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में. ये है जीरो डेट, ये एक महीना, ये दो महीना, ये तीन महीना, ठीक है. अब या तो आप एक्सपोर्टर हो सकते हो या तो आप इंपोर्टर हो सकते हो. अगर आप इंपोर्टर हो इंडिया में, ठीक है, तो आप फॉरेन करेंसी खरीदोगे बैंक से और पे करोगे. अगर आप एक्सपोर्टर हो तो कस्टमर से आपको मिलेगी और आप बैंक को बेचोगे. सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से वी आर इंपोर्टर, इम्पोर्टर है तो फॉरेन करेंसी हम बाय करना चाहते हैं. हम बाय करना चाहते हैं सर तीन महीने बाद. अब तीन महीने बाद हम डॉलर खरीदना चाहते हैं और डॉलर का रेट हम फिक्स कर लेते हैं लेट से 70 रुपये. सो दिस 70 रुपीज इज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब ट्रांजेक्शन बैंक के एंगल से देखना शुरू करो. कस्टमर और बैंक के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ है. मैं कस्टमर, आप बैंक. मैं आपके पास में आया, मैं बोलता हूँ तीन महीने बाद में मैं आपसे $100,000 खरीद के लेके जाऊंगा. सिंपल रखने के लिए 1,00,000 ले रहे हैं, ठीक है. आपने बोला ठीक है, मैं आपसे $100,000 खरीदूंगा. कस्टमर खरीदेगा तो बैंक बेचेगी. आप मुझे $100,000 70 रुपये में बेचने वाले हो. लॉजिक देखो, आपको $100,000 मिलेगा तीन महीने बाद, तो 70 लाख रुपए आपने मुझे, सॉरी मैं आपसे $100,000 खरीद के लेके जाने वाला हूं, यानी आप मुझे $100,000 बेचोगे, मैं आपको 70 लाख रुपए दूंगा. जैसे ही अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप ये डिसाइड करते हो कि, मतलब जैसे ही होने वाला होता है, आप क्या करते हो, 70 रुपए का रेट मुझे देने के पहले आपने पता किया कि यार इसको $100,000 देने हैं तीन महीने बाद. हमको किसी और बैंक से, आपको, ठीक है, आपने किसी और बैंक से, आप कौन हो, बैंक. मैं कौन हूँ, कस्टमर. आपकी बैंक किसी और बैंक से खरीदेगी तीन महीने बाद और मुझे बेचेगी. तो पहले आप वो रेट पता करते हो कि कितने में हम खरीदेंगे, उसके बाद मुझे 70 का रेट कोट किया, क्योंकि कभी भी बेचने वाला रेट ज़्यादा होना चाहिए.
तो आपने देखा कि उधर तो 68 में मिल सकता है 3 महीने बाद, तो आपकी बैंक ने दूसरी बैंक से, इंटर बैंक लेता हूँ मैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे कहा जाता है कवर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बीच के ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए आपने दूसरी बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन किया, अब उस हिसाब से आप वहाँ से खरीदोगे और मुझे बेचोगे। तो कितने में खरीदा सर? 68 में खरीदोगे और मुझे 70 में बेचोगे। जैसे ही आपको 68 पता चला, आपने उसमें अपना प्रॉफिट डाला और मुझे 70 का रेट कोट कर दिया। अब दो ट्रांजेक्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक लेता हूँ मैं सर बैंक टू कस्टमर, ठीक है, बैंक वन टू कस्टमर, ये है सर 70 रेट, और मैं इसको पहला कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ। और ये है सर बैंक वन टू बैंक टू, बैंक टू टू बैंक वन, दिस इज 68 का रेट, और इसको मैं नाम देता हूँ दूसरा। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहेंगे, और ये है कवर कॉन्ट्रैक्ट। नंबर दो कवर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉजिकली देखो, तो आप मुझे 70 के रेट से बेचोगे और 68 से खरीदोगे, तो आपको 2 का फायदा होगा और $1,00,000 पे फायदा होगा, यानी आपको टोटल फायदा जो होने वाला है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वो है ₹2,00,000 का। बैंक हमेशा कमाने के लिए बैठी है यहाँ पे, तो बैंक को फायदा होना बनता है 2 लाख का। आज से ठीक 3 महीने बाद ये सारा ट्रांजेक्शन होना है, आज तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हो, यहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती है, और ये पॉसिबिलिटीज को 9 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले जो आपने वादा किया था वो आप निभाओगे, कि हमसे आप खरीद के लेके जाओगे, आप ये बोलोगे मेरे को, कस्टमर ने जो आपसे वादा किया था वो निभाएगा और आपसे $1,00,000 खरीद के लेके जाएगा, तो वो 3 चीजों में पॉसिबल है। या तो वो $1,00,000 आपसे ड्यू डेट पे खरीदे, या तो ड्यू डेट के पहले खरीदे, या तो ड्यू डेट के बाद खरीदे। डिलीवरी तो हो रही है सर, लेकिन डिलीवरी 3 जगह पे हो सकती है, या तो ड्यू डेट पे, या तो अर्ली, या तो ड्यू डेट पे, या तो लेट। पहला है डिलीवरी देना। दूसरा सर, हो सकता है कि मैंने जो मशीन मंगाई थी $1,00,000 की, जिसके लिए मैं आपसे $1,00,000 खरीद के उस पार्टी को देने वाला था, वो मशीन खराब निकली और वो मशीन मैंने वापस भेज दी, कौन वारंटी पीरियड में आ रही थी, और मेरे और यूएस वाली पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 1 महीने बाद ये सब हुआ था, तो मुझे अब 3 महीने बाद आपसे $1,00,000 खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दूंगा किसको, किसी को देना ही नहीं है। तो मैं आपके पास आऊंगा और बोलूंगा सर, हमने 1 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको अब कैंसिल करना है, क्योंकि मैंने आगे कोई पेमेंट नहीं करना अब, क्योंकि हम लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, तो अब आपसे $1,00,000 खरीद के करूंगा क्या। तो 3 चीज़ें हो सकती है कैंसिलेशन के केस में, या तो आपको पहले पता चल गया तो अर्ली कैंसिलेशन करा रहे हो, या तो एग्जैक्ट ड्यू डेट पे पता चला, जिस दिन आप बैंक से खरीदने वाले थे उसी दिन पता चला कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो ड्यू डेट पे कैंसिल करा रहे हो। और तीसरा आता है लेट कैंसिलेशन, ड्यू डेट खत्म हो गई, आप गए नहीं, आपकी गलती थी, और जब आप तारीख आई 5 दिन बाद में आपको दिमाग में आया अभी ये तो कैंसिल कराना था, हम भूल गए कैंसिल कराना, बट अब करा लेते, लेट कैंसिलेशन, ठीक है। या तो डिलीवरी नॉर्मल तरीके से, या तो कैंसिलेशन, और तीसरा आता है सर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब कैसा केस हो सकता है पहले ध्यान दो। अभी क्या हुआ, 3 महीने बाद 70 लाख रुपए आपको देके $1,00,000 मैं आपसे खरीदने वाला हूँ, यानी 3 महीने बाद आपको 70 लाख रुपए कौन देगा, ये कस्टमर देगा, और आप $1,00,000 बेचोगे मुझे। अभी कस्टमर की हालत खराब है, कस्टमर को पता चल गया कि 70 लाख रुपए उस टाइम तक अरेंज नहीं किए जा सकते, तो कस्टमर सबसे पहले तो उसको फ़ोन लगाएगा जिसको $1,00,000 देना है यूएस में, उससे रिक्वेस्ट कर करके बोलेगा थोड़ा और टाइम और दे दो, थोड़ा टाइम और दे दो, पैसा मैं देता हूँ। तो 2 महीने का और एक्सटेंशन ले लिया मैंने उससे, यानी कि अब मुझे ध्यान देना, अब मुझे उस पार्टी को, यूएस वाली पार्टी को ठीक यहाँ पेमेंट करना है, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करना। लेकिन आपके पास आके अब मैं क्या बोलूँगा, सर मैं आपसे $1,00,000 तो खरीदना चाहता हूँ, यानी आप तो मुझे $1,00,000 बेचो, लेकिन
ये जो डेट फिक्स हुई उस दिन नहीं, 2 दिन 2 महीने और एक्सटेंड करना चाहता हूँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। तब जाके क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी एक्सटेंशन वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मुझसे किया था वो पहले कैंसिल होता है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है आगे की डेट के लिए। तो एक्सटेंशन जो है, या तो मैं इस दरम्यान कहीं मांग लूँ एक्सटेंशन, जिसको मैं कहूँगा अर्ली एक्सटेंशन, या तो ड्यू डेट पे एक्सटेंशन मांगू जिसको मैं बोलूंगा ड्यू डेट पे एक्सटेंशन, या तो मैं उस डेट के बाद कहीं एक्सटेंशन मांगू जिसको हम कहेंगे लेट एक्सटेंशन। सो ये 3 चीज़ें हैं सर, अर्ली, ड्यू डेट और लेट। तो अब यहाँ पे आपकी ये 3 चीज़ें बनती हैं कि एक्सटेंशन अर्ली एक्सटेंशन, ड्यू डेट पे एक्सटेंशन या लेट एक्सटेंशन। ये 6 किस्से 9 किस्से तो मैंने आपको समझा दिया, अब ध्यान दो। सबसे पहले डिलीवरी की बात करते हैं। सबसे आसान क्या होता है पता है, 3 महीने बाद खरीदना था, 3 महीने बाद आपका टाइम आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ड्यू डेट। 3 महीने खत्म हो गए, 70 रुपये में आप बैंक बेच देगी कस्टमर को, कस्टमर 70 लाख दे देगा बैंक को, बैंक वो 1 लाख डॉलर कहाँ से लेके आई थी, दूसरे बैंक से लेके आई, 68 लाख बैंक ने इधर दिए, 70 लाख कस्टमर से मिले, 2 लाख बैंक का फायदा, इसको 1 लाख मिल गया, ये लेके चला गया, मतलब पेमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, डिलीवरी देना ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट डिलीवरी, उसमें आप डिलीवर करते हो एट एन एग्रीड रेट, कहानी खत्म। अब अगर आपको डिलीवरी नहीं देनी ड्यू डेट पे और आपको करना रहा कैंसिल, तब आती है दिक्कत। और कैंसिलेशन इतने आसानी से होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। बैंक ने तो 1 लाख डॉलर खरीद लिया 68 के रेट से, तो बैंक के तो 68 जा चुके हैं। अब आप बोल रहे हो कि बैंक के पास तो आ गए, लेकिन कस्टमर बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, बैंक क्या करेगा उस 1 लाख डॉलर का, बैंक वो 1 लाख डॉलर मार्केट में किसी और को दे, वापस दूसरी बैंक को बेच देगा स्पॉट रेट पे, उसी दिन बेचेगा क्योंकि उसी दिन खरीदे। तो जब ड्यू डेट आती है तो बैंक, आप तो ले नहीं रहे, आप बोलोगे कैंसिल करना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक किसी और को बेच देगा। तो बैंक के एंगल से देखो, बैंक ने किसी और को बेच दिया, लेट से बैंक ने बेचा किसी और को 69 के रेट से, 69 भी नहीं, 66 के रेट से बेच दिया, तो बैंक ने 68 में खरीदा, 66 में बेच दिया स्पॉट रेट। अब कैंसल जो आप कर रहे हो, कस्टमर कैंसिल कर रहे हो, तो कस्टमर को कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, विच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 66, कितना, 4, ये 4 लाख रुपए आप बैंक को पे कर दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अब लॉजिक अगर देखोगे तो बैंक को सिर्फ 2 लाख का ही फायदा होता है, वो ऐसा है कि 2 लाख को आप, 2 लाख का आपसे फायदा होने वाला था और 2 लाख का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो टोटल आपको 4 लाख बैंक को मिलने चाहिए थे, जो 2 लाख नुकसान हुआ स्पॉट में प्लस आपसे जो फायदा होने वाला था, तो उस तरह से ये 4 लाख आपके निकलते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना दिमाग मत लगाओ उस चीज में। तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा स्पॉट रेट पे, अगर ड्यू डेट पे कैंसिल कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर एक्सटेंशन की बात आती है तो पहले सेम चीज कैंसिल करोगे स्पॉट रेट पे, जो चीज़ कैंसिलेशन में हुई वहाँ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा स्पॉट रेट पे और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। यानी कि यहाँ से अगर एक्सटेंड करना है तो यहाँ से अगर 2 महीने एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे 2 मंथ्स का फॉरवर्ड आप फिर से लोगे, दिस इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा यहाँ पे। तो ये मैंने ड्यू डेट वाले सारे ऑप्शन बता दिए। डिलीवरी देना है जो रेट फिक्स हुआ उस पर डिलीवर दे के ख़त्म करो, कैंसिलेशन करना है जो रेट फिक्स हुआ था वो, और उसके बाद कैंसिल करोगे स्पॉट रेट पे, यानी अपोजिट ट्रांजेक्शन करते हो, बाय किया था तो सेल, सेल किया था तो बाय, तो ये स्पॉट रेट पे कैंसिल करके जो भी डिफरेंस आ रहा है पे करके खत्म करोगे। और एक्सटेंशन में क्या होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले कैंसिल करोगे और नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से एंटर करोगे। मैं बात करता हूँ सर डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी की। अर्ली डिलीवरी में क्या होता है, ध्यान देना, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपके बहुत बढ़ जाते हैं।
फ्रेश माइंड से दिमाग लगाओ। आप ठीक 2 महीने बाद बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि यार मेरे को जल्दी पैसा चाहिए, मेरे को प्लीज़ आज दे दो, आज पैसा दे दो, मैं आज पैसा दे के मैं उसको पेमेंट करना चाहता हूँ, जल्दी पेमेंट करना है क्योंकि मैं लीडिंग करने वाला हूँ, लीडिंग एंड लैगिंग लीडिंग। जो पैसा 3 महीने बाद बैंक बेचने वाला था वो आप बोल रहे हो कि 2 महीने बाद ही बैंक बेचे, बैंक के पास कहाँ से आएगा? आ रही बात आपको समझ में? बैंक को यहाँ पे स्पॉट में खरीदना पड़ेगा। बैंक स्पॉट में खरीदती है लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 71 रुपीज़ में, और आपको तो बेचेगी जो रेट एग्रीड है उस पे 70। तो लॉजिक अगर देखोगे तो बैंक के जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है। ध्यान देना, बैंक ने यहाँ पे स्पॉट में 71 लाख रुपीज़ किसी को पे करके $1 लाख लिया और आपको 70 के रेट से बेच दिया जो एग्रीड रेट था, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो कस्टमर के लिए, सबसे पहले तो कस्टमर को 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बैंक के एंगल से देखो तो बैंक के 71 गए 70 आए, बैंक का तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस आउटफ्लो। इस अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक का गया उस दिन, जो कैश आउटफ्लो हुआ उस दिन 70 का एक इनफ्लो हुआ था बैंक को और 71 का आउटफ्लो हुआ था, उस दिन जो भी कैश फ्लो हुआ उसका नेट ऑफ करके जो भी आउटफ्लो आ रहा है, बैंक का पैसा ज़्यादा जा रहा है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। अगर इनफ्लो आता तो बैंक पे करते इंटरेस्ट कस्टमर को, ठीक है, एक ही है। बट अब दिक्कत क्या हुई, ध्यान दो, 2 महीने बाद कस्टमर को आपने $1 लाख बेच दिया बैंक ने, अब 3 महीने बाद क्या होने वाला है पता है? आप किसी और से 68 में, बैंक किसी और से 68 में खरीदेगी तो बेचेगी किसको? कस्टमर तो फिर से आके नहीं खरीदेगा, आ रही बात आपको समझ में? तो जब 68 में खरीदेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो सेटल करना पड़ेगा, तो बैंक क्या करती है यहाँ पे, बैंक यहाँ पे 1 मंथ का, क्योंकि 1 महीना बाकी है, यहाँ से फॉरवर्ड ले लेती है। अब बैंक खरीद रही है 3 महीने बाद तो यहाँ पे बेचेगी, अब बेचने का रेट है लेट से बेचने का रेट है 66 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, 68 में खरीदेगी और 66 में बेचेगी, तो यहाँ पे बैंक को नुकसान होगा 2 लाख का, कंफर्म हो गया नुकसान, किसके वजह से? कस्टमर के वजह से। तो ये जो 2 रेट है आपके, ये 2 लाख का नुकसान कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, 3 चीज़ें यहाँ पे मैं 4 ट्रांजेक्शन के नाम देता हूँ, सॉरी। एक तो ये जो 71 पे अननेसेसरी बैंक को खरीदना पड़ा, क्यों? क्योंकि कस्टमर बोलता है कि भैया आज के आज मुझे बेचो, तो बैंक को एक ये नया ट्रांजेक्शन लेना पड़ा इसको क्लोज करने के लिए, 70 वाले को। इसका नंबर मैंने दिया 3। उसके बाद जो कवर रेट लिया हुआ था उसको क्लोज करने के लिए बैंक को 3 महीने बाद 1 महीने का फॉरवर्ड लेना पड़ा, इसको मैंने दिया 4। अब यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन हो गए, 2 पुराने वाले 1-2 और 3-4 नए वाले। अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, ये जो 2 नए रेट हैं, 71 पे बैंक बाय कर रही है, 66 पे बैंक बेच रही है, इसके बीच में डिफरेंस है -5, यहाँ 5 लाख का, इसे कहा जाता है स्वैप लॉस। स्वैप लॉस आप निकालोगे 2 नए रेट के बीच का कैश फ्लो या लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा, 2 नए रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो होता है स्वैप लॉस। और उस दिन 2 महीने बाद जो ये 2 रेट है, फर्स्ट और थ्री, ये कैश फ्लो उस दिन हुआ था। एक्चुअल में ये कैश फ्लो नहीं है, 71, 66 पूरा कैश फ्लो नहीं है, 66 इज ओनली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 2 नए कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस इज द स्वैप लॉस, एंड उस दिन होने वाले कैश फ्लो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस इज द इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फिगर। सो यहाँ पे कस्टमर को 3 चीज़ें पे करनी पड़ेगी, एक तो 70 लाख पे करेगा, उसके बाद में ओरिजिनल जो रेट था, उसके बाद में स्वैप लॉस पे करेगा। ये स्वैप लॉस आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंस बिटवीन टू
न्यू रेट्स या न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो ऑफ अर्ली डेट. सिंपल, इतना ही है. तो कभी भी अगर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, स्वैप लॉस निकालना ही नहीं, जो दो नए कॉन्ट्रैक्ट किए ना पुराने दो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए उनके बीच का डिफरेंस, और इंटरेस्ट निकालना यानी कि अर्ली डेट पे जो भी कैश फ्लो हो रहा ना, अर्ली डेट पे जो भी कैश फ्लो हो रहा उसके बीच का डिफरेंस, तो उससे इंटरेस्ट पता चलेगा. ठीक है, एक सेकंड ना, चार्जिंग लगाने दो बस. ठीक है, अब आपको बाकी चीज़ें समझाना ईजी हो जाएगा क्योंकि स्वैप लॉस और गेन. अच्छा, लॉस आया तो कस्टमर से लेंगे और गेन आया तो कस्टमर को देंगे अर्ली डिलीवरी के केस में. सो ध्यान देना, डिलीवरी के केस में क्या, डिलीवर एट एग्रीड रेट, लेना है तो जो भी रेट एग्री किया होगा, देना होता जो भी रेट एग्री किया. फिर इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ फंड, आउटफ्लो है तो कस्टमर से लेंगे, इनफ्लो है तो कस्टमर को देंगे. और स्वैप गेन और लॉस, अगर स्वैपिंग करने से बैंक को गेन हुआ है तो वह कस्टमर को पास कर देगी, अगर बैंक को नुकसान हुआ है तो कस्टमर से वो ले लेगी. तो ये भी आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ. अब ध्यान दो, कैंसलेशन अगर आप पहले करते हो, अर्ली डेट पे कैंसलेशन करते हो तो क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, अभी समझाता हूँ. आपने फॉरवर्ड लिया था 3 महीने का, 3 महीने का मान लो बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था, ठीक है, कस्टमर 2 महीने बाद आके ही कैंसिल करने को बोलता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने बाद ख़त्म होने वाला था, मतलब और 1 महीना, तो बैंक को यहाँ पे बाय करना पड़ेगा 1 मंथ फॉरवर्ड. मतलब 1 मंथ फॉरवर्ड क्यों बैंक बाय कर रही है, कोई भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए नया जो कॉन्ट्रैक्ट लोगे वो अपोजिट होना चाहिए, ये सेल था तो ये बाय होगा, ये तो कन्फर्म. उसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट पे मैच्योर होना चाहिए. सो अगर आप 1 महीने पहले आके कैंसिल करना चाहते हो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो ये 1 महीने फॉरवर्ड करेगा. सो अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट पर ख़त्म होने चाहिए, ठीक है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट होने चाहिए, ख़त्म, इतनी सी बात. और अगर कैंसिलेशन ड्यू डेट पे है तो कहानी खत्म है, उसी दिन का रेट है. और एक्सटेंशन की बात करता हूँ, अगर आप अर्ली डेट पे एक्सटेंशन कराना चाहते हो, एग्जांपल के तौर पे ये है आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने वाला, ठीक है, बैंक यहाँ पे 3 महीने का फॉरवर्ड सेल करके बैठी हुई है, ठीक है, इस डेट पे यानी कि 2 महीने बाद कस्टमर आता है बोलता है कि मेरे को और 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैंक क्या करेगी, एक तो स्पॉट रेट पे कैंसिल कर दो, तो आप क्या करोगे, स्पॉट पे बाय करोगे, तो ये 3 महीने का स्पॉट पे बाय नहीं, कैंसिल अगर करना है आपको, कैंसलेशन ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आपको कैंसिल करना है तो आप 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय लोगे. बैंक क्या करेगी, ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट लेगी जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे ही एक्सपायर हो रहा है. तो ध्यान देना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम डेट पे एक्सपायर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट है, सेल और बाय, तो बैंक का कहानी खत्म. अब यहाँ पे बैंक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगी कस्टमर के साथ में, और यहाँ से 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 मंथ का फॉरवर्ड सेल, तो वो यहाँ तक चलेगा. आई बात समझ में? जैसे ही 1 महीना और कंप्लीट होगा पुराने दोनों कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा. आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सर आपका डिलीवरी, कैंसलेशन और एक्सटेंशन. अब मैं बात करता हूँ लेट डिलीवरी, लेट कैंसलेशन और लेट एक्सटेंशन की, तीनों की मैं एक ही साथ बात करता हूँ. क्यों? क्योंकि जब लेट होता है तो ये कस्टमर की गलती मानी जाती है, और ड्यू डेट से ध्यान देना, कस्टमर के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब यहाँ ड्यू होने वाला है और कस्टमर हो गया लेट, और अगर कस्टमर लेट हो जाता है, कस्टमर लेट हो जाता है तो अब यहाँ पे लेट होने के बाद में वो करता क्या है उस पर डिपेंड करता है. अब लेट से वो किसी इस दिन पे डिलीवरी देना चाहता है, तो डिलीवरी के 2 रूल है. एक रूल तो कन्फर्म है कि 15 दिन तक ही, ड्यू डेट के 15 दिन तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. अगर आप 8 तारीख को आके डिलीवर करना चाहते हो
तो आप डिलीवर कर सकते हो, लेकिन आप पुराने रेट पे डिलीवर नहीं कर सकते, ओरिजिनल रेट पे डिलीवर नहीं हो सकता जो रेट डिसाइड किया था। ये रेट खत्म 8 तारीख का, जो भी स्पॉट रेट है उस पे आपको डिलीवर करना पड़ेगा, जो भी स्पॉट रेट है प्लस कैंसलेशन के चार्जेस जो भी लगने। बट अगर आप 17 तारीख को आते हो तो आपको पहले जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होगा 15th वाले रेट पे। यानी आप समझ रहे हो कि किसी भी हालत में ड्यू डेट के बाद, एक सेकंड ना, किसी भी हालत में ड्यू डेट के बाद या तो 15 दिन के पहले वाली डेट या तो 15 दिन वाली रेट, दोनों में से जो भी पहले हो रही है वो अप्लीकेबल होगी डिलीवरी के लिए, कैंसलेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए। पढ़ना आप ध्यान से यहाँ पे, लेट डिलीवरी अगर है तो पहले तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। कैंसिल एट स्पॉट रेट और द रेट ऑन 15th डे फ्रॉम ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर 15 दिन पहले आ गए तो उस दिन का रेट, या तो 15 दिन वाला रेट, अगर 15 दिन के बाद आए तो 15 तारीख तक, 15 दिन वाला, तारीख नहीं सॉरी, वहीं तक, उस पे पहले तो कैंसिल होगा। अगर आउटफ्लो है इंटरेस्ट पे वो देना पड़ेगा, स्वैप गेन और लॉस है तो वो सेटल होगा, गेन तो नहीं होगा, लॉस ही सेटल होगा यहाँ पे, ठीक है। गेन देना नहीं बनता यहाँ पे बैंक ने आपको, एक सेकंड ना, गेन देना नहीं बनता। लेट वाले केस में बैंक के, बैंक को खुद को भी गेन हो रहा होगा तो बैंक पास ऑन नहीं करेगी क्योंकि कस्टमर ने डिफॉल्ट किया, और उसके बाद में डिलीवर एट स्पॉट रेट। सो ध्यान दो, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 8 तारीख को आते हैं तो क्या होगा पता है, 8 तारीख को स्पॉट रेट पे पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और उसी रेट पे आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, बेचना है तो बेच सकते हो। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी उसी रेट पे हुआ स्पॉट रेट पे, और नया कॉन्ट्रैक्ट भी उसी रेट पे हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रेट, इस डेट पे आते हो, लेट से 17th को आते हो, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 15 दिन वाली रेट पे कैंसिल होगा, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो 17वें तारीख वाली रेट पे बनेगा। आई बात समझ में? तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के कैंसलेशन का जो डेट है या रेट है, या तो 15 दिन के पहले वाली जिस दिन आप आ रहे हो वो, या तो 15 दिन वाली, उस पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। और नया कॉन्ट्रैक्ट है वो तो जिस दिन आओ, 8 तारीख को, 15 को, 17, नया कॉन्ट्रैक्ट उस दिन पे बनेगा। सो डिलीवर एट स्पॉट रेट इन केस ऑफ एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कैंसिल अगर आपको करना है, ड्यू डेट चली गई और उसके बाद 8 तारीख को, 8 दिन बाद आते हैं, तो 8वें दिन वाला रेट लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। 15 तारीख को, 15 दिन बाद आए तो 15 दिन वाले वाला रेट लगेगा, 18 दिन बाद आए तो भी 15 दिन वाला रेट लगेगा, और कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो फिर वही इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो तो देना पड़ेगा, स्वैप लॉस है तो वो भी देना पड़ेगा, गेन वगैरह नहीं मिलेगा आपको, तो गेन काट देना यहाँ से। और एक्सटेंशन अगर करना है, 8 तारीख को आए, 8 दिन बाद आया, डिलीवरी के ड्यू डेट के 8 दिन बाद आया, तो उस दिन के रेट पे कैंसिल होगा 8 दिन वाले, और इंटरेस्ट भी, स्वैप लॉस भी, ठीक है, और 8वें दिन वाले ही रेट पे नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सॉरी 8वें दिन वाला रेट नहीं, जो भी फॉरवर्ड रेट होगा उस दिन वहां से लेके आगे, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सटेंड करना। बट अगर आप 17वें दिन आए तो कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला कैंसिल होगा 15वें दिन वाले रेट पे, और 17वें दिन जो फॉरवर्ड रेट है उस पे आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जिससे एक्सटेंड हो जाएगी, कहानी खत्म। तो ये है सर आपका पूरा डिलीवरी, कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन। थोड़ा प्रॉब्लम्स के साथ में इसको सॉल्व करना तो ज्यादा समझ में आएगा, आई नो ऐसे थ्योरी पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको, फिर भी एक हाथ चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अगर इसमें मैं समझा पाऊँ तो, एक्सटेंशन वाले केस में। अब दो केस है, दोनों केस में लेट बता रहा हूँ, लेकिन
एक मैं 8 तारीख को आके मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, और दूसरे में 17 तारीख को, 17 दिन बाद आके मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। 8 तारीख मतलब 8 दिन बाद और 15 दिन, 15 दिन और 17 दिन। तो इस केस में क्या होगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 8 दिन वाले रेट पे कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्वैप देना पड़ेगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पहले कैंसिल होगा 8वें दिन वाले रेट पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्वैप लॉस देना पड़ेगा, और अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ मैं तो इसमें भी 8वें दिन वाला रेट लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैंसिल होगा 15वें दिन वाले रेट पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, स्वैप देना पड़ेगा, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में रेट लगेगा 17वें दिन का फॉरवर्ड रेट, मतलब फॉरवर्ड रेट विच इज़ अवेलेबल ऑन 17वें दिन। यहाँ तो 15th का स्पॉट लग रहा है, ठीक है, यहाँ 8th का फॉरवर्ड लगेगा और यहाँ 8th का स्पॉट लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब होता है सर, 15वें दिन या उसके पहले वाली डेट की स्पॉट रेट पे, ठीक है, अगर आप पहले आए तो पहला, नहीं तो 15वां, बस 15 के बाद 16 17 18 नहीं आता। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीवरी, कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में सर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इन ऑटोमेटिक कैंसिलेशन प्लीज नोट इन अबाउ इन केस ऑफ लेट इफ देर इज प्रॉफिट बाय द बैंक ऑन एनी कोर्स ऑफ एक्शन द सेम शैल नॉट बी पास्ड ऑन टू कस्टमर एज नॉर्मली पास्ड कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे या कैंसिलेशन ड्यू डेट के पहले अगर कुछ ऐसा होता है और कंपनी बैंक को गेन होता है तो बैंक पास ऑन करती है, लेकिन लेट वाले केस में बैंक पास ऑन नहीं करेगी, रूल है। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड इज चार्ज बाय द बैंक एट अ रेट विच इज नॉट लेस देन द प्राइम लेंडिंग रेट PLR। ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल। फॉर अ ब्रोकन पीरियड द कन्वीनियंट वे इज टू इंटरपोलेट द रेट्स बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डेट डेज, लिख देना द टू स्टैंडर्ड डेट। ठीक है, अब ध्यान दो। लेट से फॉर एन एग्जाम्पल की स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 47 रुपीज पर डॉलर का, 47.072547445, 47.0745। कभी भी ये जो डिजिट लिए रहते हैं ना बाद में, ये आखिरी से शुरू होते हैं, तो 725 की जगह 745 लगेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद 1 महीने का फॉरवर्ड दिया है, 3 महीने का फॉरवर्ड दिया है और 6 महीने का फॉरवर्ड दिया हुआ है पॉइंट्स में। अब लेकिन आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है 3 महीने 25 दिन का, कैसे निकालोगे ना, 1 महीने का 3 महीने 25 दिन का कहीं पे है ही नहीं। या तो 1 महीने का फॉरवर्ड निकल सकता है, ये स्वैप पॉइंट्स है सर, ये स्वैप पॉइंट्स ऐड कर दो स्पॉट में तो आपको आ जाएगा स्वैप, तो देखा ही आपने, 3 महीने का दिया है, 6 महीने का दिया है, अब बताओ कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे इंटरपोलेट करना इज इम्पॉर्टेंट। जब 3 महीने 25 दिन का आपको निकालना है तो 3 महीने के दो ये जो रेट दिए हैं इनको इंटरपोलेट करो। सो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना, 3 महीने और 6 महीने के बीच में कितने दिन का गैप है सर, 90 दिन का गैप है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, बिड पॉइंट लेते हैं, बिड, तो बिड है 3 महीने का 145 और 6 महीने का 155, तो 145 3 महीने से आगे बढ़ रहे हैं प्लस 155 माइनस 145, यानी कि 3 महीने के 3 महीने में ये कितना बड़ा बिड, ठीक है। और अगर 3 महीने में इतना बड़ा, कितना, 10 पॉइंट बड़ा 3 महीने में, तो डिवाइडेड बाय 90, 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 25, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन, तो ये आता है टोटल 148। उसी तरह से आस्क वाला किया आपने, वो आया 164। अब 148 164 आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं स्वैप के, ये है 3 महीने 25 दिन के, और ये आप स्पॉट रेट में ऐड कर दो। 148 आपने ऐड कर दिया, आपने 164 यहाँ पे ऐड कर दिया, आपको फॉरवर्ड रेट मिल गए 3 महीने 25 दिन के। बट हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे बिड छोटा है आस्क से तो आपने प्लस किया, और अगर वही आपको बिड में बड़ा दे देता आस्क से 175 155, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता, ये चीज़ याद रखना। इंटरपोलेशन जो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और एक आखिरी टर्म आपका बाकी है कि कौन से एक्सचेंज रेट को आप अमेरिकन टर्म कहते हो, कौन से एक्सचेंज रेट को, कब अमेरिकन टर्म वर्ड यूज होता है, कब यूरोपियन टर्म यूज होता है, ध्यान देना। अमेरिकन टर्म तब यूज होता है जब US डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दी होती है। किसी भी एक्सचेंज रेट में जब प्राइस
US डॉलर में होती है, असेट नहीं, प्राइस. सो व्हेन एनी एक्सचेंज रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ US डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, US डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. जैसे कि देखो डॉलर पर पाउंड 1.50 दिया है, तो डॉलर पर पाउंड 1.50, पाउंड इज द असेट, डॉलर इज द प्राइस. व्हेन डॉलर इज द प्राइस इट इज कॉल्ड एज अमेरिकन टर्म. जब हम लिखते हैं ना रुपीज पर डॉलर, अगर हम ये लिखे सर कि रुपीज पर डॉलर 70 है, तो हमारी करेंसी प्राइस करेंसी है, दिस इज इंडियन टर्म. और अगर हम लिख दे डॉलर पर रुपीज 0.02, दिस इज यूरोपियन टर्म, क्योंकि हमारी करेंसी अब असेट करेंसी बन गई. तो यूरोपियन टर्म अब आप कहाँ पे किस में कहोगे, इस केस में क्या कहोगे? जनरली वो डॉलर केस में गिना जाता है, क्योंकि हमारी करेंसी इतनी फेमस नहीं है कि हमको इतना वेटेज मिले. ध्यान देना, यूरोपियन टर्म कब कहा जाएगा? व्हेन फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डॉलर दिया हो US. सो व्हेन पाउंड पर डॉलर इज 0.60, तो पर डॉलर है, डॉलर इज द बेस करेंसी, वो यूरोपियन टर्म बन गया. ठीक है सर, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इज. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई टॉट इन द लास्ट 2.5 आवर्स. दिस इज द बिगेस्ट एवर रिविजन वीडियो. थोड़ा डिटेल में गए थे, इतना डिटेल में आई थिंक जाना नहीं चाहिए था, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके. मैं एक और वीडियो आगे जाके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कहीं अपलोड करूंगा, जिसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी समराइज करूंगा, ताकि एंड टाइम पे आपका टाइम ज़्यादा बच सके. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट रिविजन वीडियो. कीप स्टडिंग एंड all the best for your exam. Practice makes man perfect. Practice manual and past exam questions will surely help you a lot if you do it conceptually. Bye bye.